लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर किसी संख्या को उसी के साथ विभाजित करें तो हमें एक ही मिलेगा। उदाहरण के लिए 3 को 3 से विभाजित किया तो 1 होता है। 1000 को 1000 से विभाजित किया तो भी 1 ही होता है। अगर हमारे पास 1000 आम हैं और उन्हें 1000 आदमियों में बांटना है तो हर एक को एक ही आम मिलेगा। समझ गए ना? लेकिन सर, अगर शून्य को शून्य से विभाजित किया तब भी हमें एक ही मिलेगा, है ना सर? अगर शून्य आम हो और उसे शून्य आदमियों में बांटा दो तब भी हमारे पास एक ही आम बचेगा, है ना सर? ये कैसा प्रश्न है? शून्य का मूल्य होता है क्या? होता है ना सर, गणित के हर नंबर का मूल्य शून्य ही तो बढ़ाता है ना सर? अब देखिए सर, एक का मूल्य सिर्फ एक ही होता है।
लेकिन अगर एक के आगे शून्य लगा दे तो 10 बन जाएगा। उसमें एक और शून्य लगा दे तो वो 100 बन जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि शून्य का कोई मूल्य नहीं होता, तो आपकी बात कैसे माने सर? कहाँ जा रहे हो? अभी आता हूँ। पंडित जी, क्या हुआ? क्या मैं एक बात पूछूं? यहाँ पे आज 142 औरतें आई हैं, लेकिन पंडित जी आपके पास यहाँ सिर्फ 137 मिठाइयाँ हैं। इसका मतलब 5 औरतों को मिठाई नहीं मिलेगी। ये काले चनों से भरा बर्तन हमारे घर पर भी है, इसमें लगभग 8710 काले चने रख सकते हैं। आप हर एक को अपनी मुट्ठी भर के 65 चने एक बार में दे रहे हैं। अगर आप ऐसे ही चने देते रहे तो 8 औरतों को चने भी नहीं मिलेंगे। जो काम मैं सालों से कर रहा हूँ उसे कैसे करना है तू बताएगा? जा यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम? चलो यहाँ से। भाई, जैसा उस लड़के ने कहा था, 5 औरतों के लिए मिठाई कम है और 8 औरतों के लिए चने नहीं बचे हैं। अरे वाह, क्या बात है! इतने छोटे से लड़के ने सिर्फ देख के ही इतना सही अनुमान कैसे लगा लिया? लक्ष्मी की कृपा से मेरा नाम रोशन करोगे। क्या कहा? आज मैं दिखाता हूँ तुझे मेरी बराबरी। कोई नहीं कर सकता। संसार की हर वस्तुओं में वास करते हैं तेरे विष्णु, ऐसा कहा था। इस स्तंभ में है क्या तेरा विष्णु? अगर है तो उसे बाहर बुला, मैं भी उसकी शक्ति देखता हूँ। चल। अब हिरण्यकश्यपु की शक्ति देखो। बुला उसे। इस स्तंभ में भी है क्या वो? है पिताजी, यहाँ भी है। इस स्तंभ में भी है क्या वो? है पिताजी, इसमें भी है। इस स्तंभ में है क्या वो? है पिताजी, वो हर जगह है। तो दिखा मुझे। क्या हुआ बेटा? मैं डर गया था माँ। क्यों बेटा? रामानुज, वो देखो बेटा, नामगिरी धीर, हमारी कुलदेवी, हाथ जोड़ के सिर झुका। साथ में गाओ। अच्छा, कल कॉलेज के बाद मैं मंदिर जाऊंगा। अरे यार, जान खा रखी है मैथ प्रोफेसर सीतारमन ने। उस दिन किसी मंदिर में देख लिया, कहता है पैसे खर्च करके तू मंदिर में लड़कियों के दर्शन करने जाता है। उस बूढ़े के पास खर्च करने के लिए 2 पैसे नहीं तो मुझ पर भड़ास निकालता है। चुपचाप मैथ पढ़ाने का छोड़ के क्लास में उल्टे सीधे फालतू सवाल करके इंसल्ट करता है। एक तो मैथ्स के नंबर मुझे वैसे ही समझ में नहीं आते, उसमें मेरी गलती है क्या? ए रामस्वामी, तुझे पता है उसे ऐसा लगता है जो गणित पढ़ते हैं लड़कियां सिर्फ उन्हें ही भाव देती हैं। हाँ रामास्वामी, ऐसा कोई रूल है क्या? रामानुज आओ। रामानुज अंकल, माँ ने घर का भाड़ा देने बोला है। ये लो। अंकल, ये किताब मैं रख सकता हूँ क्या? इसे पढ़ के कल लौटा दूंगा। स्कूल में जाने वाले को क्या पल्ले पड़ेगा, ये ट्रिग्नोमेट्री है।
बीए पढ़ने वाले को समझ में नहीं आया तो तुझे कैसे समझ में आएगा? देख लेंगे अंकल, पहले मैं इसे पढ़ तो लूं। रामानुज, इसमें कोई भी तस्वीर नहीं है। तुम ऐसे पहले लड़के हो जो गणित की किताब में दिलचस्पी ले रहे हो। ठीक है, ले जाओ। मम गगरिर ससा, मम गगरिर ससा, ससा रे रे गग मम, रे रे गग मम, रे गग मम। ये लो, मालिक ने 2 रुपए काट लिए, बाकी बचे 18 रुपए। इतने पैसों में महीना कैसे चलेगा? बच्चों को गाना सिखाती हूँ, मंदिर में भी गाना गाती हूँ, और ऊपर से कॉलेज के बच्चों को भी भाड़े पे कमरा देती हूँ। क्या बताऊँ आपको, फिर भी इतने पैसों से मेरा घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं समझता हूँ, पर मैं इतना ही कर सकता हूँ। नारायण नारायण। हाँ रामानुज, तुमने हमसे जो कल किताब ली थी वो पढ़ के हो गई क्या? हाँ पूरी पढ़ के हो गई अंकल। क्या कहा, पूरी पढ़ ली? ये कहीं हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहा? हाँ। तुम कह रहे हो तुमने पूरी किताब पढ़ ली ना? चलो तुम्हें एक सम देता हूँ, उसे सॉल्व करके बताओ मुझे। ठीक है अंकल। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इन अ सर्कल। ये क्या यार, जैसा किताब में दिया वैसा ही कर रहा है। मुझे दिखाओ। चार पन्नों में जो समझाया है उसे इसने 4 स्टेप में ही सॉल्व कर दिया। नमस्ते स्तु महामाय श्री पीठे सुर पूजिते शंकर चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े डोला सुर भयंकरी सर्व। रामानुज है क्या? वो अभी तक स्कूल से लौटा नहीं है, क्या काम था? अरे कुछ नहीं आंटी, ये मेरे क्लासमेट्स हैं, वो हमारा रामानुज है ना, हमें उससे प्राइवेट ट्यूशन लेना है इसलिए हम यहाँ हैं। सच में? फिर तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग वहाँ पर जाके बैठ जाओ, रामानुज आता ही होगा। ठीक है चलो आओ। चलो चलो। रामानुज, तुम्हारी सम वाली स्लेट को हमने सीतारमन प्रोफेसर को दिखाई और तुम्हें पता है 5 मिनट के लिए तो उसकी बोलती बंद हो गई। फिर वो धीमी आवाज से हमसे बोला, हाँ ये सवाल इतनी आसानी से तो मैं भी सॉल्व नहीं कर पाता, तुम्हें पता है क्या ये कौन से कॉलेज के प्रोफेसर ने किया है? फिर मैंने उसे बताया, ये किसी प्रोफेसर ने नहीं, टाउन स्कूल में पढ़ने वाला एक 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसने सॉल्व किया है। ये सुनते ही उन्हें शॉक लग गया, भगवान ही जाने क्या हुआ होगा उनको, कल कॉलेज जाके ही पता लगेगा कि वो जिंदा है या मर गए। पता है आपको, हमारे बेटे रामानुज से गणित सीखने के लिए बीए पढ़ने वाले बच्चे आए हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री एकदम आसान है, आप लोग समझ गए है ना? समझ गए। कितनी आसानी से हमको समझा दिया, अब तो मास्टर्स 1 साल में कर लेंगे। रामानुज इज ग्रेट, लेकिन बेचारा बहुत गरीब घर से है, हम सबको मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। अब जब दिमाग में गणित पूरी तरह घुस चुका है और लड़कियों को बेझिझक देखने का लाइसेंस मिल गया है। ये क्या है मिस्टर सुबैया, टाइम टेबल बनाने में भी इतनी गलतियां कैसे कर लेते हो? कितने सेक्शंस में इंग्लिश टीचर नहीं है, कितने में तो बायोलॉजी नहीं है, एक काम करो इसे कचरे में फेंक दो। आप एक काम कीजिए, एक बार मेरी बीवी से पूछ लीजिए, मैंने अकेले ही पूरी रात काली करके बिना किसी की मदद के ये वाला टाइम टेबल तैयार किया, इसके बाद भी मुझसे गलती हो गई। मैं एक स्कूल शिक्षक हूँ, इसको परफेक्ट बनाने के लिए किसी कॉलेज के प्रोफेसर से बोलिए। आप प्रोफेसर कहाँ से लाऊं? 2 हफ्ते का टाइम और ले लो, इसे ठीक से करके लेकर आओ। जाओ। रामानुज कहाँ जा रहे हो? क्लास में जा रहा हूँ। सर 1 मिनट सर। रामानुज मेरे साथ चलो। सर सुनो ना, मेरे साथ चलो। सर आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हेडमास्टर के रूम सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। नहीं नहीं उसके लिए नहीं, गणित का शेर है ना तू, जरा ये स्कूल का टाइम टेबल सेट करके बताओ। हर क्लास के कितने सेक्शन है? फर्स्ट क्लास में ABCD, सेकंड क्लास में ABC, थर्ड क्लास में ABCD, फोर्थ में ABCDE और फिफ्थ क्लास में ABCDEF।
मतलब पूरे 22 सेक्शन हुए। हाँ। टीचर्स कितनी होंगी? 36 टीचर्स हैं। कौन सा टीचर कौन सा विषय लेता है इसमें लिखो। बेटा बैठ कर लिखो ना। सर टाइम टेबल शीट। हाँ हाँ हाँ। ये लीजिए सर। नॉट अ सिंगल मिस्टेक, ब्रिलियंट। एक तालाब में एक ही कमल था और पता है तुम्हें वहाँ दूसरे दिन दो कमल हो गए और फिर 15 दिनों में आधा तालाब कमल के फूलों से भर जाता है, तो कितने दिनों में पूरा तालाब फूलों से भर जाएगा? ये कैसा सवाल है? आधा तालाब भरने के लिए 15 दिन लगे तो पूरा तालाब भरने में और 15 दिन लगेंगे, इसमें क्या पहली हुई? मैं बताता हूँ माँ, पूरा तालाब फूलों से भरने के लिए सिर्फ एक और दिन ही लगेगा। मेरा राजा बेटा सुनिए, अपने बेटे से कुछ सीखिए। ठीक है ठीक है। विष्णु की भक्ति से बनेगा मेरा बेटा महान। 8 7 6 5 4 रामानुजन यहाँ आओ, इधर आओ, यहाँ आओ, आओ थोड़ा कसरत कर लो, शरीर के लिए बहुत जरूरी है। देखो तुम्हारे दोस्त कैसे कसरत कर रहे हैं। मैं भी रोज कसरत करता हूँ सर, पर शरीर से नहीं नंबर्स के साथ, मेरे लिए वही काफी है। नंबर्स का कसरत। 2 3 क्या है लक्ष्मी, तुम्हारी उम्र में रामानुज बड़ी आसानी से खेल लेता था, तुम क्यों नहीं खेलते? अरे खेलो, तुम्हारी बारी है, खेलो ना। अरे नहीं, देखो ऐसे खेलोगे तो हार जाओगे। क्या कर रहे हो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चलो अब तुम्हारी बारी है। माँ मैट्रिक के एग्जाम में मैं स्कूल में फर्स्ट आया। अरे वाह वाह, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुश रहो बेटा, आज माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली। नामगिरी माता की बड़ी कृपा है तुम पर बेटा, और उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ए रामानुज, अब कॉलेज में एडमिशन लेके बीए की डिग्री ले लो, बड़े आदमी बन जाओ और हमारे सारे दुख दूर कर दो, करोगे ना? मेरा बेटा आपकी इच्छा पूरी करेगा। When I behold upon the night starred face a huge cloudy symbol of high romance and think that I may never live to trace their shadows with the magic hand of chance, never have relish in the fiery power of unreflecting love, then on the shore of the wide world I stand alone and think till love and fame to nothing less to sink. This poem of Keats is about the morality and his fear of death. He is anxious that he will not achieve fame for his work before he dies. What are you doing? Is it an English class or a mathematics class? सर ये आपकी क्लास में नहीं, सबकी क्लास में यही करता है। सर रामानुज की गलती नहीं है, मैंने ही उसे करने को कहा था, सारी गलती मेरी है। Both of you get out of the class. रुक जा रामानुज, हमारे पीछे बैठे लड़के तेरी पीठ पर कठपुतली का खेल खेल रहे थे, इसलिए प्रोफेसर ने पकड़ा। कठपुतली का खेल मुझे भी पसंद है, लेकिन वो मिस्टर कार की लिखी मैथ बुक से ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, मैं उन लड़कों पर ध्यान नहीं देता। लेकिन अनंतु, मुझे बचाने के लिए तुमने अपना नाम क्यों फंसाया बेकार में? क्योंकि रामानुज मेरा दोस्त है इसलिए। रामानुज तुम क्या कर रहे हो? बर्नौली के नंबर पर रिसर्च कर रहा हूँ। वाह क्या बात है। अरे सर आप
एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हायर मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन बेटा, स्कॉलरशिप एग्जाम पास करने के लिए सिर्फ मैथ से ही काम नहीं चलेगा, इंग्लिश, रोमन हिस्ट्री, साइकोलॉजी, बाकी सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ने होंगे ना। और ये सब करने के लिए सिर्फ एक हफ्ता ही बाकी है रामानुज। सुनिए जी, किसी की रोने की आवाज आ रही है। रामानुज, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? जूनियर सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप एग्जाम में मैं फेल हो गया माँ। मैथ्स में 100 में से 100 मिले, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ 3 मार्क्स से फेल हो गया मैं। स्कॉलरशिप नहीं देंगे अब। बस इतना ही ना, दुनिया थोड़ी खत्म हो गई। मैं खुद सुबह आके प्रिंसिपल से बात करूंगी। ऐसे कैसे, वो तुम्हें स्कॉलरशिप कैसे नहीं देंगे? तुम चिंता मत करो बेटा, ऐसे रोते नहीं। हाँ देखिए बहन जी, मैथ्स में कोई भी रामानुज का हाथ पकड़ ही नहीं सकता है। मैंने इससे कहा था कि सारे सब्जेक्ट्स पर ध्यान दो, लेकिन इसने सुना ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? उससे गलती हो गई सर, आप प्रिंसिपल से बात कीजिए। हाँ, ठीक है। इसने अपने स्कूल में सभी सब्जेक्ट में पहला स्थान प्राप्त किया था, हमें इससे बहुत उम्मीद थी। हमें लगा था कि ये ICS का नाम रोशन करेगा, इसीलिए हमने इसे इस कॉलेज में सीट दी। लेकिन ये तो सिर्फ मैथ्स मैथ्स और मैथ्स ही करता है, अब हम भी क्या कर सकते हैं? देखो बहन, कॉलेज स्टूडेंट्स को सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ये एक विषय में जीनियस है और बाकी विषय में भोंदू है। ये तो कॉलेज में पढ़ने के लायक ही नहीं है। सिर्फ एक विषय में जीनियस होने से बेहतर है बाकी विषय में सामान्य होने वाला शिष्य, वो जीनियस से अच्छा है। ये तो सिर्फ मैथ्स में ही अच्छा है, इसी वजह से हम इसे स्कॉलरशिप नहीं दे सकते। रामानुज, रामानुज, क्या हो गया तुझे? आज तू कॉलेज क्यों नहीं आया? तेरी माँ ने कॉलेज की फीस कितनी मुश्किल से भरी है, तो फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? आज सुबह कॉलेज जाने के लिए जब मैं घर से निकला तो मुझे याद आया कि रात को जो मैं सम सॉल्व कर रहा था वो पूरा नहीं हुआ। मंदिर में बैठ के उसे सॉल्व कर रहा था, आग कब लगी पता ही नहीं चला, सॉल्व करते करते सो गया। लेकिन सपने में भी मैं यही सम सॉल्व कर रहा था, तभी अचानक मुझे एक बड़ी सी रोशनी दिखाई दी। मेरी जुबान पर उसने जवाब लिखा और अचानक गायब हो गई। वो नामागिरी देवी ही थी, इस बात का मुझे कोई संदेह नहीं है। उन्होंने जो भी मेरी जुबान पर लिखा उसे मैंने इस किताब में लिख लिया। ये देखो, ये उसका जवाब, देखा तुमने? मैं जो बोल रहा हूं वो सच है। ये दुनिया पाखंडियों से भरी है। भले ही वो दुनिया की नजरों में बहुत बड़े आदमी हैं, पर उनके दिल एकदम छोटे हैं। तुमने अपनी मां को घर से बाहर निकाल दिया ना? दिल पर हाथ रख के कहो, ये सच है ना? ये सच है ना? ये सारी बातें इसको कैसे पता? ये सच में पागल है क्या? क्या बकवास है, पागल तो कुछ भी कहेगा ना। यार रामानुज, वो देखो उसे मार रहे हैं। पहले से इतनी तकलीफ में, ऊपर से आप इन्हें मार रहे? अगर ये तकलीफ में है तो मुंह क्यों खोलता है? जब देखो बकवास करते रहता है ये। इसी वजह से इसकी पत्नी और इसके बच्चे इसे छोड़कर चले गए। जाने दीजिए, आप तो जाइए। बहुत मारा मुझे। ये क्या मास्टर जी, आप क्यों उनसे बात करते हैं? नफरत है मुझे इस दुनिया से, इसमें रहने वाले लोगों से। इसलिए मैंने अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई है जिसमें सिर्फ मैं रहना चाहता हूँ। लेकिन ये भी इन लोगों को पसंद नहीं। मुंह खोलता हूँ तो मारते हैं,
खाना मांगने पे भी नहीं देते, मुझे भूख लगी है रामानुज। आप ये खा लीजिए, भूख लगी होगी ना, यहाँ बैठ जाइए, आइए आराम से खाइए। आराम से खाइए, आराम से, घबराइए मत। रामानुज, रामानुज, मेरी दुनिया के लोग छोटे जरूर हैं, पर उनके दिल बहुत बड़े हैं। किसी को भी कष्ट होता है तो सब मदद के लिए आते हैं, एक को खुशी मिलती है तो सब खुश होते हैं। खाइए खाइए। अगर मैंने ऐसा कह दिया तो क्या बुरा किया बताओ? जाने दो, आप खाइए ना, आराम से खा लीजिए, पेट भर गया, अब तुम खा लो और खाइए ना। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझते हो, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, चलता हूं, तुम बहुत अच्छे हो रामानुज। बेचारे पीटी मास्टर क्या थे और क्या हो गए हैं? नहीं अनंतु, सर पागल नहीं है, दरअसल इस दुनिया के कष्टों से परेशान होके उन्होंने अपनी एक खुशहाल दुनिया बना के उसी में अच्छे से जी रहे हैं। इसका मतलब पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा। मैं भी इसी तरह अपनी दुनिया में रहना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने अंकों के साथ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। क्यों रो रहे हो रामानुज? मैं फिर एग्जाम में फेल हो गया, अब लोगों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? रोते नहीं बेटा, ये लड़का किसी काम का नहीं है, तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ कर रखा है। बाकी विषयों में फेल होके मैथमेटिक्स के 100 में 100 नंबर किस काम के? कोई कुएं में आधा गिरा हो या पूरा गिरा हो उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे वो कुएं में गिर गया, ये काफी नहीं है? क्या सोचा था और इसने क्या कर दिया? hey, अब रो के क्या मिलेगा तुझे, जा निकल जा, दोबारा लौट कर मत आना यहाँ। के बारे में कुछ पता चला? कोमल अपने सारे रिश्तेदारों से पूछ ले, वो कहीं नहीं है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। मैं उसे गुस्से में बहुत कुछ बोल गया। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे क्या पता था कि वो ऐसे घर छोड़कर चला जाएगा इस तरह, पता नहीं कहाँ क्या कर रहा होगा, भगवान जाने। अरे भाई इतनी रात को इतना ध्यान लगाकर क्या कर रहे हो? मैं पार्टीशन नंबर्स पर खोज कर रहा हूँ। पार्टीशन नंबर्स पर? वो क्या? एक नंबर को बहुत अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है, उदाहरण के लिए एक को एक ही तरीके से लिख सकते हैं, दो को 1+1 करेंगे तो वो भी 2 हो जाएगा, तीन को 3 भी लिख सकते हैं, या 2+1 या 1+1+1 भी लिख सकते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है।
अब अगर हम सारे नंबर्स को इसी तरीके से लिखें जैसे अभी लिखा मैंने, तो 5 को 7 तरीकों से, 6 को 11 तरीकों से, 7 को 15 तरीकों से, 15 को 176 तरीकों से, और 176 को क्या बता सकते हैं कि इसके कितने तरीके होंगे? नो नो, मुझे कैसे पता होगा? आप एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं। अगर 15 को 176 तरीके से लिखा जा सकता है, तो 176 को लॉजिकली कम से कम 1000 तरीके से तो लिख ही सकते होंगे ना? नहीं सर, 176 को 4,76,71,58,57,290 तरीकों से लिख सकते हैं। ओह माय गुडनेस, आपने इतनी आसानी से हल कर दिया। आप तो एक जीनियस हैं। जीनियस? लेकिन इस जीनियस को कॉलेज से निकाल दिया गया। पिताजी ने भी निकाल दिया और मेरे गांव वालों ने भी। आप कहाँ के रहने वाले? कुंभकोणम। और कहाँ जा रहे हैं? मुझे खुद नहीं पता। सुना है गणित में दिलचस्पी रखने वाले की मदद करने वाला एक आदमी विशाखापट्टनम में रहता है, मैं बस उसी के पास जा रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। ये बात है। ऑल द बेस्ट। जमींदार जी बहुत से लोगों को अपने साथ काशी ले गए हैं, ऐसे मैंने सुना है। मेरा बेटा भी शायद उनके साथ होगा। कोमल दीदी, मैंने सब जगह देख लिया है, रामानुज उनके साथ नहीं गया है। मैड्रास प्रेसिडेंसी में मैंने सारे पुलिस स्टेशन में खबर कर दी है। जल्द से जल्द हमें कुछ न कुछ पता चल ही जाएगा। जरा ये देखिए, हिंदू न्यूज़पेपर, रामानुज के लापता होने की खबर इन्होंने छापी है। आप उम्मीद मत छोड़ो, वो वापस जरूर आएगा। अरे अरे, आइए आइए, रामानुज लौट आया, देखकर बहुत खुशी हुई। अय्यर बोल ही रहे थे, निश्चिंत रहिए वो आ जाएगा। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, पूजा खत्म होते ही आ जाएंगे। अरे रे रामानुज, आ गए। गणित में दिलचस्पी रखने वाले की मदद करने वाला एक आदमी विशाखापट्टनम में रहता है, ऐसा सुना था मैंने। मैं वहीं चला गया था, लेकिन वहाँ गणित क्या कोई उम्मीद भी नहीं मिला मुझे। अन्य देशम कृथम पावम वाराणस्यम विनेच्छेति, वाराणस्यम कृथम पावम कुंभकोणी विनेच्छेति। क्या बोल रहे हो बेटा? मामी, दुनिया में कहीं भी किया हुआ पाप काशी में जाके धुल जाता है, लेकिन काशी में किया हुआ पाप कुंभकोणम में आके धोना पड़ता है, इसलिए कुंभकोणम में पाप धोने के लिए मैं वापस आ गया। देखा ना, मजाक करने की आदत नहीं गई इसकी। रामानुज, कुंभकोणम के कॉलेज में तुम्हें फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने में शर्म आती होगी, ये मैं समझ सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, मद्रास के पच्चियापा कॉलेज में मैं बात करूंगा और तुम्हें सीट दिला दूंगा। सर। और रामानुज, खाना खाओगे क्या? मैं खाना खा के आया हूँ सर। क्या खा के आए हो? दही चावल और अचार। एक बात समझो रामानुज, सिर्फ दही चावल से तुम्हारा दिमाग नहीं दौड़ेगा। सेहत के लिए रोज सुबह नाश्ते में 2 अंडे खाया करो, दिमाग तेज रहेगा। हाँ, बाप रे बाप, शुद्ध शाकाहारी होने की वजह से फिजियोलॉजी की इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी मैं उसमें फेल हो गया, पर अंडे कैसे खा सकता हूँ? अंडे खाए तो भगवान मेरी आंखें फोड़ देंगे, ऐसा माँ कहती है। ठीक है ठीक है, तुम्हारा अंधविश्वास नहीं सुनना है। तुम्हें इसलिए बुलाया, इस सप्ताह मैथमेटिकल जर्नल में एक प्रॉब्लम छपी है, मैं तो उसे सॉल्व नहीं कर पाया। देखो तुमसे होता है क्या, इसे सॉल्व करके दिखाओ। वहां बैठो, मैं हाथ धोकर आता हूँ। सर, इस सम को तो मैंने कुंभकोणम में पहले सॉल्व कर लिया था, ये देखिए, ये इसका जवाब। रामानुज, तुम तो सच में जीनियस हो। तुम्हारे लेवल के मैथमेटिक्स को समझने के लिए हमारे देश में ऐसे लोग है ही नहीं। तुम्हारे किए हुए थ्योरम्स को क्रिश्चियन कॉलेज के प्रोफेसर एडवर्ड रोज को दिखाया था, उसे देखते ही पूछने लगे तुम्हें पोलिश लैंग्वेज आती है क्या? मैंने मना किया तो बोले, पिछले हफ्ते पोलैंड के
एक मैथमेटिशियन ने भी यही जवाब ढूंढ करके निकाला था, ऐसा कह रहे थे। रामानुज, तुम्हें कहीं और जन्म लेना चाहिए था, मुझे तुम पर गर्व है। बाहर क्या देख रहे हो बेटा? सर, तालाब में बगुले देख रहा हूं। वहां जितने भी बगुले खड़े हैं वो दूर दूर खड़े हैं, लेकिन जब वो उड़ान भरते हैं तब हर एक बगुले चाहे कहीं भी खड़े हो वो सब के सब एक ही डिग्री में उड़ते हैं। उन्हें देख के मैं समझ गया कि वो ऐसा क्यों करते हैं। क्या बोल रहे हो बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, वो लोग उड़ते वक्त वी के आकार में उड़ते हैं। ऐसा करने से आगे वाले पक्षी की जो डिग्री होती है वो पिछले वाले की डिग्री से अलग होती है, जिस वजह से एक एंगल बनता है। आगे वाला जब थक जाता है तो पीछे उड़ने वाला आसानी से उसकी जगह ले लेता है। रामानुज, तुम्हारी ज्योमेट्री नॉलेज का कोई तोड़ नहीं है। लक्ष्मी, खाने के पहले प्रार्थना की? अच्छे से मिला हूँ कोमल। एफए पढ़ने के लिए, इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए मद्रास भेजा, लेकिन शरीर में बीमारी लेकर वापस आया। 3 साल तक एफए पढ़ पढ़ के भी कुछ नहीं हुआ, इस साल भी पास नहीं हुआ। सर, आप धीरे बोलिए। तुम चुप रहो, इसका ये गणित इसको ले डूबेगा। ये की डिग्री कर ले बस, इसके साथ पढ़ने वालों को डिग्री मिल गई, सब अपने अपने काम पर लग गए। इतना सब कुछ हो गया फिर भी गणित का भूत नहीं उतरा इसका। धीरे बोलिए ना, आप चाहते क्या है? वो सुन लेगा तो फिर से भाग जाएगा। एक बात बताइए, जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, यही बात खटक रही है ना? आप चिंता मत कीजिए, उसे जिम्मेदार बनाने के लिए मैंने कुछ सोच रखा है। अरे, शादी के लिए रामानुज के पिता तैयार नहीं थे, इसीलिए तो शादी में नहीं आए हैं वो। पता है तुम्हें? पता है। कोमल बहुत ही जिद्दी औरत है। बिल्कुल सही। उसे जो करना होता है वही करती है, पता है ना? शादी में पति नहीं आया तब भी शादी करवा रही है। लड़का माँ का लाडला है, जो माँ बोलती है वही करता है। देखो जानकी, शादी करने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। मेरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ गणित है। एफए परीक्षा में 3 बार फेल हो गया। अपने भविष्य को लेकर मैं वैसे ही बहुत डरा हुआ हूँ, और माँ ने मेरी शादी करवा दी। मेरी जिंदगी में वैसे ही बहुत ज्यादा तकलीफ है, और माँ ने तुम्हें भी उसमें धकेल दिया। आप दुखी मत होइए। ये क्या कह रही हो? आपकी माँ ने कहा है कि मैं आप पर जादू चलाऊं ताकि आप पर से गणित का भूत उतर जाए। वो मैं कर दूंगी, चिंता मत कीजिए। नरसिम्हा जी, कहिए। मारा घर पर पीसा भिजवा दिया? आज सुबह ही भिजवा दिए। ये नौजवान कौन है? ये वो नौकरी के लिए आया है।
हैं। सुना है कि बहुत ही होनहार लड़का है। मैट्रिक में पूरे स्कूल में फर्स्ट आया था। हमें वो अकाउंटेंट की जरूरत थी ना, उसी के लिए इसे बुलाया है। बेटा जी उठाओ। ये क्या है? ये सर्टिफिकेट्स। वो रहने दो। देख भाया, हिसाब एकदम चोखा होना चाहिए। गलती कोनिया की हो। महीने का 18 रुपए पगार दूंगा और थारा काम चोखा लागा तो आगे पीसो और बढ़ा दूंगो। तू आज से ही काम पे चढ़ जा। नरसिम्हा या को काम बता दे। ठीक है सेठ जी, चलो। मैनेजर सर, अगर मेरा काम अच्छा हुआ तो आप पैसे बढ़ा देंगे? हाँ बढ़ा देंगे। ये मेरी गणित की किताब है। आप कहे तो इन्हें मैं दिखा दूं? बेशक दिखा दो, दिखाओ दिखाओ। सर ये गणित मैंने किया है। तू क्यों है? जी सर। ला मैंने दिखा। रा, यो के है बेटा जी, याको देख के तो मारो माथो घूम रही हो है। मारी कंपनी एकदम साधारण कंपनी है। थारी ये किताब में नंबर से ज्यादा तो अक्षर भरे हैं। ये कैसे? ए बी सी डी और आड़े टेढ़े रेखा बनी से। मारी तो कुछ समझ में नहीं आयो। ये कंपनी का बही खातों का तो तू बलि चढ़ा देगो, थारे से ना हो पाएगा। नरसिम्हा वो बैकुत राम के हाथ 10 फोटो भिजवा दियो। सुबह ही भिजवा दिया थे। वो सीताराम पीसो दे गए? दे देगा। मैं अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ। आयो क्यों नहीं, जाके देख। कॉफी पी लो रामानुज, अब तुम बच्चे नहीं रहे, गृहस्थ हो गए हो। ऐसे हर बात पे रोते नहीं, धैर्य रखो, समझे? तुम्हारे ऊपर सरस्वती की कृपा है, लेकिन ये साधारण लोग नहीं समझ पाएंगे। तुम्हारे अंदर हायर मैथमेटिक्स पर शोध करने की क्षमता है, लेकिन इन लोगों को 2 और 2 4 जोड़ने वाले क्लर्क चाहिए, बस। छे, एक बात का ध्यान रखना, आज के बाद ऐसे छोटे लोगों के आगे हाथ मत फैलाना, समझ गए? तो फिर मेरे कष्टों को कौन दूर करेगा, बताइए? ये लोग दूर करेंगे, ये बुद्धिहीन लोग तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है ना, उसकी वजह से तुम्हें कंधे पर बिठा के घूमना चाहिए इनको, लेकिन शिक्षा देने वाली जगह पर तुम्हारी कदर नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे? तुम जाने दो, चिंता मत करो। मद्रास में गणित में रुचि रखने वाले लोगों ने मैथमेटिकल सोसाइटी नाम से क्लब शुरू किया है। बड़े बड़े लोग उस क्लब के मेंबर हैं। मैं खुद उनसे तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगा, तुम जाकर उनसे मिल लेना, बाकी भगवान पर छोड़ दो, ठीक है? राधा कृष्ण, हाँ मेरी किस्मत तो देखो, कुंभकोणम में कोई भी मेरी गणित की कुशाग्रता के आधार पर नौकरी देने के लिए तैयार नहीं। मद्रास में मैं जिससे मिला, मेरे गणित को देख के वो बहुत खुश हो गए, बल्कि पता है वो तो तारीफों के पुल पे पुल बांधते गए, पर फिर भी मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। मुझे एक बात तो समझ में आ गई है राधा कृष्ण, सिर्फ इस गणित के पीछे मैं अपना पूरा जीवन ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। रामानुज तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं जरूरत नहीं है, कुंभकोणम में ऑपरेशन करवाया ना, तब से ज्यादा चलने पर थक जाता हूँ, बस और कुछ नहीं। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है दोस्त। गैलीलियो लोगों के अंधविश्वास की वजह से मर गए और मैं शायद भूख से ही मर जाऊंगा। रामानुज प्लीज कुछ भी मत बोला करो। राधा कृष्ण क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ, अगर मैं कभी मर गया तो मेरी ये नोटबुक तुम प्रोफेसर सिंगर अवेलू मुदलियर, नहीं तो क्रिश्चियन कॉलेज के प्रोफेसर एडवर्ड रोज के पास पहुंचा देना। रामानुज ये क्या है, ऐसा मत करो, दिल छोटा मत करो, बताओ और किस किस से मिला है? हम मिलेंगे, सिर्फ यही एक बाकी है।
विवान बहादुर रामचंद्र राव आईसीएस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नेल्लूर, ये है। मैं इनके साले कृष्णा राव को अच्छे से जानता हूँ नेल्लूर में। मैं उसको तुम्हारे साथ रहने के लिए कहूंगा, तुम हार मत मानो। जीजा जी, ये हैं श्रीनिवास रामानुजन। सर, मैंने कंटिन्यूड फ्रैक्शंस पर बहुत सारी रिसर्च की है। अब उदाहरण के लिए, किसी भी पूर्ण संख्या को इन्फिनिटी श्रेणी में समन कर सकते हैं। अब ये देखिए, और मैंने पार्टीशन नंबर्स पर भी बहुत सारी रिसर्च की है। उदाहरण के लिए ये मुझे बहुत काम है, तुम इसे यही छोड़ दो, मैं बाद में देखूंगा। जरा भी दिमाग नहीं है क्या? मेरे रिश्तेदार हो तो क्या, रोड पे चलने वाले भिखारी को जीनियस बोलकर यहां लेकर आओगे? पता नहीं कहां से आ जाते हैं, शक्ल से फ्रॉड लग रहा है। और तुम कह रहे हो ये जीनियस है? ये लो और निकलो यहां से। ऐसा नहीं है जीजा जी, बड़े बड़े लोगों ने इसकी तारीफ की है। शेषु अय्यर, रामास्वामी अय्यर ने इसकी सिफारिश की है। अगर दो दिन भी लग जाए तो कोई बात नहीं, एक बार इसकी किताबों को पढ़ लीजिए, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ऐसे मैंने कईयों को देखा है, शक्ल देखकर मैं इन्हें पहचान जाता हूँ। टाइम वेस्ट मत करो और जाओ यहां से। Equal to minus 1 divided by 12. ये तो नेगेटिव फ्रैक्शन को माइनस करके होल नंबर्स कैसे मिलेंगे? हमने जो प्रोजेक्ट लिया उसे वक्त पर खत्म करना होगा, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। मिस्टर रामानुजन, हम बाद में बात करेंगे। यस सर, यस सर। आइए। हाँ, कल रात तुम्हारी किताब पढ़ी, पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा पेचीदा लगा, बाद में ध्यान से पढ़ा तब समझा। तुम्हारा गणित हम जैसे साधारण लोगों के समझ के बाहर है, उसे समझने में मुझे पूरी रात लग गई, तब कुछ समझा। तुम साधारण ही नहीं, ओरिजिनल मैथमेटिशियन हो। सॉरी, कल जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। मुझे बस आजादी चाहिए सर, रोजी रोटी के चक्कर से मैं आजादी चाहता हूं। जब ये आजादी मुझे मिलेगी ना, तभी मैं बिना कुछ चिंता किए सिर्फ और सिर्फ अपनी गणित की दुनिया में शांति और सुकून से रह सकूंगा सर। पहले तुम्हारे रोजी रोटी का ख्याल रखने के लिए महीने के 25 रुपए मैं तुम्हें अपनी जेब से दूंगा। इसके अलावा मद्रास में अच्छी नौकरी भी दिलवाऊंगा, लेकिन गणित का तुम्हारा काम रुकना नहीं चाहिए, गणित की दुनिया से बाहर मत आना, ठीक है ना?
Yes. Yes, this is Sir Francis Spring. What? I told you to finish it yesterday. I don't want any excuses. Get it done. पोर्ट ट्रस्ट में नौकरी मिल गई है तो तुम्हारी जिंदगी का आधा कष्ट खत्म हो जाएगा ना। कलेक्टर राव ने सिर्फ तुम्हारी नौकरी के लिए ही सिफारिश नहीं की है, तुम गणित में बहुत तेज हो ना, तो तुम्हारा ध्यान रखने के लिए भी कहा है। देखिए, मैं अपनी बीवी और माँ को यहाँ मद्रास में ले आया हूँ। यहाँ काम बहुत ही आसान है, मेरा काम आधे घंटे में खत्म हो जाता है, बाकी का समय मुझे गणित के लिए मिल जाता है। ये क्या है, ये सब क्या है? पूरे पेपर में तुमने कुछ न कुछ लिख रखा है, वो भी अलग अलग रंग में। सर, वो क्या है, गणित के सवाल सुलझाने के लिए मुझे बहुत से पेपर की ज़रूरत पड़ती है, अब वो मैं कहाँ से लाऊं? इसलिए पहले मैं उनको ऐसे पेंसिल से लिखता हूँ, उसके बाद सही होने पर शाही से लिखता हूँ। रामानुज, तुम्हारी गणित में बहुत ही हाई लेवल मैथमेटिक्स है, तुम्हारे ऊपर भगवान की बहुत दया है। मुझ पर भगवान की दया नहीं है। ये मेरी कोहनी देखिए सर। ये क्या, तुम्हारी कोहनी इतनी काली क्यों है? सर, बचपन में मैं अपने स्लेट पर लिखता था, तब इस कोहनी से मिटा मिटा के वो काली पड़ गई है। मुझे बुद्धिमान बनाने के लिए ये मेरी कोहनी का योगदान है। आज काम ज्यादा था क्या? हाँ माँ। अरे बेटा, कोट निकाल के आराम से बैठो ना। नहीं माँ, विक्टोरिया हॉस्टल के स्टूडेंट्स अभी ट्यूशन्स के लिए आते ही होंगे बस। अरे तुम थक गए हो ना, फिर से ट्यूशन लोगे? तुम आराम करो ना, क्या ट्यूशन लेनी जरूरी है? देखिए माँ, कलेक्टर राव फ्री में जो पैसे दे रहे थे मैंने उन्हें मना कर दिया। पोर्ट ट्रस्ट में सिर्फ 30 रुपए की तनख्वाह मिलती है, इतने कम पैसों से मद्रास में घर कैसे चलेगा माँ? बीए के बच्चों को कुंभकोणम में पढ़ाते थे और यहाँ एमए के बच्चों को पढ़ाते हो। गणित सिखाने का पागलपन तुम कब छोड़ोगे बेटा? कितना समझाओ तुम्हें। अब आ जाओ, आओ बैठो बैठो, बैठ जाओ। जानू, क्या हो गया बेटा? सुबह से मैं उनके आने का इंतजार कर रही हूँ और ऑफिस से आने के बाद मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा उन्होंने, और बाहर के लोगों से भर भर के बातें कर रहे हैं। बस यही सब सोच के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब ये सवाल गुरुजी से किया था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। बाद में पता चला इन्फिनिटी ही इसका सही जवाब है, मतलब 0/0 इज इक्वल टू 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। क्या आप लोग जानते हैं, मैथमेटिशियंस के पता लगाने से पहले ये उपनिषद में लिखा हुआ है। उपनिषद में गुरु शिष्य से पूछता है, देखो वहां पेड़ के नीचे एक अंजीर पड़ा हुआ है, उसे लेके आ जाओ। शिष्य बोला, ये लीजिए गुरुदेव। गुरु, चलो अब इसे खोलो। खोल लिया गुरुदेव। इसके अंदर क्या है? छोटे छोटे बीज है गुरुदेव। अब एक बीज लो और उसे तोड़ो। तोड़ दिया। अब अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है गुरुदेव, एकदम खाली है। शिष्य, ये समझो, सिर्फ और सिर्फ एक शून्य से इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही एक जीरो से ही 1, 2, 3, 10, 100, 10,000,
ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स बन जाते हैं, इसलिए जीरो ही अनंत ब्रह्मांड जैसा है। ईश्वर समान है, द सिंबल ऑफ द एब्सोल्यूट। आंटी, पीने को पानी मिल सकता है क्या? बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? नरसिम्हाचारी। वो क्या है ना, मेरा बेटा रामानुज अभी कुवारा नहीं रहा, शादी के बाद उसकी बीवी उसके साथ रहने आई है ना। अगर तुम लोग पूरा दिन गणित ही सीखते रहोगे तो वो अपनी बीवी के साथ समय कैसे बिताएगा, बोलो। समझ गया आंटी, मैं चलता हूँ। ये बात पता है, मैथमेटिक्स के हर इक्वेशन को वैदिक फिलोसॉफी में कहानियों के जरिए समझाया गया है। रामानुज, अभी हम चलते हैं, आज के लिए काफी है। उपनिषद की कहानी ही बताई है, अभी मेन पार्ट तो शुरू भी नहीं किया है। अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मेन पार्ट शुरू करो, हम चलते हैं। ये क्या बोलकर चले गए, कुछ समझ में नहीं आया। काम के चक्कर में मैं यहां वहां भटक रहा था, मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें अपने पास ही नहीं बुला पाया तो क्या होगा, मेरे पास नौकरी भी नहीं थी। अब तो मैं आपके पास ही हूँ ना। गणित दुनिया में सबसे खूबसूरत है, ऐसा मुझे लगता था, पर मेरी जानकी भी बहुत सुंदर है। कहाँ गई थी, क्या हो गया? कुछ नहीं, माँ ने बताया था नामगिरी माता रोज रात को आपके सपने में आके गणित की तरकीबें बताती है ना, और उसके बाद आप आधी रात को उठ के गणित करने के लिए स्लेट ढूंढने लग जाते हो। अब अगर हमारे सोने के बाद वही सपना आया तो फिर से स्लेट ढूंढने के लिए कमरे से बाहर चले जाओगे तो माँ क्या सोचेंगी, इसीलिए मैं इसे पहले से ही यहाँ ले आई। याद है शादी की रात को मैंने कहा था कि गणित ही मेरी दुनिया है, और तुमने मुझसे कहा था कि तुम गणित भूल जाओ, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। तो अब खुद ही जाके मेरे गणित के लिए स्लेट कमरे में क्यों लेकर आई तुम? मेरे पति की वृद्धि और प्रसिद्धि का कारण ये गणित ही है, ये जानने के बाद मैं कैसे गुस्सा कर सकती हूँ भला? मतलब उसे बाहर निकाल के मुझे अपने जाल में नहीं फंसाओगी तुम? कोशिश तो वही थी, पर मैं ही आपके जाल में फंस गई। अब इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। रामानुज, हाँ? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? ये सब क्या है? गणित सुलझाने के लिए पेपर की जरूरत थी, इस पर मैं अपना गणित लिखूंगा। अरे ये सब क्या है, इस कचरे में से बेकार पेपर चुनोगे तुम, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तुम्हें गणित लिखने के लिए पेपर चाहिए ना? जी सर। मैं दूंगा, आ जाओ। हे भगवान,
ठहराओ, इस मेज पर दो पेपर रखे थे जिन पर मैंने रेड इंक और पेंसिल से लिखा था, तुमने देखा कहीं? नहीं देखा रामानुज, यही तो रखा था। मिस्टर आईया। सर आपने बुलाया? ऑफिस फाइल में निजी बही खाते तुम लिखते हो, ये सही है क्या? सर वो गलती हो गई, ये मेरा नहीं है सर, वो रामानुज ने गलती से यहाँ पर रख दिया होगा। Who the bloody hell is Ramanuj? क्लर्क है रिकॉर्ड सेक्शन में। Which one of you is Ramanuj? मैं हूँ सर। तुम यहाँ इस सेक्शन में क्या करते हो? रिकॉर्ड सेक्शन में जांच करके उन्हें लिखता हूँ। ये सब क्या है? ये ऑफिस का काम है क्या? नहीं सर, दरअसल ये मेरे सुलझाए हुए थ्योरम्स हैं सर। और ये क्या है? ये मेरे गणित के शोध की नोटबुक है, मैं इसमें सॉल्व करता हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं कि जब ऑफिस आते हो तो अपना निजी सामान यहाँ नहीं ला सकते? सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। What do you think we pay you for? To do your personal work in this office? I will not have this impertinent behavior going on here. Do I make myself clear? थोड़ा संभाल कर रखते ना, सब कुछ पता चल गया। आपको ठीक नहीं लग रहा है क्या जी? क्या हुआ? अरे भगवान, मुझे कभी शांति से जीने नहीं देंगे। रामानुज, क्या हुआ जानकी? ऑफिस से आए हैं तब से तबीयत खराब है। ऑफिस से आए हो तब से तबीयत खराब है? हमारे चेयरमैन मेरे पास आए थे, मुझे गणित करते वक्त पकड़ लिया उन्होंने, निजी काम नहीं कर सकते ऐसा बोले मुझे, मेरे नोटबुक सारे शोध सब ले गए। लेकिन नारायण अय्यर तुम्हारे साथ है ना बेटा? आप कैसी बात कर रही हैं माँ? जब भगवान ही मुझसे नाराज हैं तो मैं उस पंडित से क्या मदद मांगूंगा? देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चलो मेरे साथ आओ बेटा, हो नामगिरी से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। हे माँ, मेरे बेटे को जल्दी से ठीक, मुझे वो नौकरी से ना निकाले, मुझे दोबारा सड़कों की धूल नहीं खानी। आपका सदैव आशीर्वाद रखना। Come in. देखो मैं तुम्हें रिकॉर्ड सेक्शन में काम करने की अनुमति नहीं दे सकता। इस नौकरी की वजह से मेरा पूरा परिवार चलता है सर, आज के बाद मैं ऑफिस के समय दूसरा और कोई काम नहीं करूंगा। प्लीज सर, मुझे एक और मौका दे दो प्लीज। माय डियर फेलो, मैंने कहा रिकॉर्ड सेक्शन में तुम काम नहीं कर सकते, ऑफिस में नहीं कर सकते, ऐसा मैंने थोड़ी ही कहा। टेक योर सीट मिस्टर रामानुज, प्लीज सिट डाउन। यस, आई वेंट थ्रू योर नोटबुक्स एंड यू आर अ रादर इनक्रेडिबल मैथमेटिकल विजर्ड। Amazing! तुम्हारे जैसे जीनियस को रिकॉर्ड सेक्शन में इस्तेमाल करना मेरे लिए बड़ी शर्म की बात होगी ना? मिस्टर आईया, सर, गिव हिम अ सेपरेट रूम। आज के बाद तुम ऑफिशियल काम नहीं करोगे बल्कि मैथमेटिकल रिसर्च ही करोगे मिस्टर रामानुज। तुम्हारे लेवल की मैथमेटिक्स को समझने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए यू सेंड योर डिस्कवरीज टू प्रोफेसर्स इन लंदन। तुम्हारे शोध के लिए मद्रास यूनिवर्सिटी के सपोर्ट मैं दिलवाऊंगा। नो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, व्हाट अ फेलो। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अंबे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी।
जानू? हाँ, क्या हुआ माँ? यहाँ आओ बेटा, रामानुज अपने शोध पर काम कर रहा है ना, तुम अंदर गई तो वो ध्यान नहीं दे पाएगा। लाओ मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगी, तुम आराम करो। नहीं माँ, उन्होंने कहा है मैं साथ में बैठती हूँ तो वो अच्छे से काम कर पाते हैं। अच्छा? हाँ। कुंभा कोनम में रामानुज को लोग गणित का राजा कहते थे, तभी तुम उसके साथ थी क्या? जाओ सो जाओ। जानकी वो नहीं आई? वो अभी बच्ची है रामानुज, घर का पूरा काम करके थक जाती है बेचारी, तुम काम करो ना। सर। अरे बैठो बैठो बैठो, चेयरमैन ने खुश होकर तुम्हें कमरा दे दिया है, अब यहाँ पर बैठकर मैथमेटिकल रिसर्च करो। वैसे लंदन में लेटर भेजा था क्या? हाँ भेजा था। उसका यह जवाब आया है। प्रोफेसर हॉबसन बहुत ही बिजी लगते हैं, तुम्हारा लेटर उन्होंने खोल कर भी नहीं देखा और वापस यहीं भेज दिया। ये क्या है? हाँ प्रोफेसर बेकर, ये भी बहुत बड़े हैं, उन्होंने भी तुम्हारा लेटर नहीं पढ़ा, लेकिन कम से कम दूसरे लिफाफे में उन्होंने तुम्हारा लेटर भेज दिया। ये इंग्लैंड वाले प्रोफेसर बहुत ही कठोर दिल के लगते हैं। क्या हुआ रामानुज? देखो बेटा, ऐसी बातों से मन छोटा मत करो, इन अंग्रेजों को बहुत फॉर्मेलिटी लगती है, अगर कोई चीज उनके काम की नहीं होती है तो उसकी तरफ वो देखते भी नहीं है, लेकिन तुम अपना काम चालू रखना। अरे लंदन में प्रोफेसर्स की कमी थोड़ी है, तुमने इतना कुछ लिखा है ना, उन्हें कुछ और भेज दो। हाँ मन छोटा मत करो। हाँ लिटिल वुड को बुलाओ। ओके सर। हाँ लिटिल वुड, आखिर तुमसे मुलाकात हो गई। ओह आई एम सॉरी, ऐसा लग रहा है कि मैंने आपकी इवनिंग खराब कर दी है। हम डांस प्रोग्राम में जाने की सोच रहे हैं। इट्स ऑल राइट, आपने बुलाया है तो कोई जरूरी काम ही होगा। लेडीज नो डांस प्रोग्राम टुडे, थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं कल। बोलिए। आज मेरे पास एक लेटर आया है, स्कूल का फाइनल पढ़ा हुआ एक इंडियन क्लर्क बोल रहा है कि उसने 50 मैथमेटिकल थ्योरम्स की शोध की है। तो मैं अपनी हसीन शाम को एक बेवकूफ के लेटर की वजह से बर्बाद कर दूं? इसके चक्कर में मैं अपनी शाम खराब नहीं करूंगा। हे लेडीज रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। लिटिल वुड रुकिए, पहले जब मैंने उसकी चिट्ठी पढ़ी तो मुझे वो बेवकूफ ही लगा, लेकिन जब ध्यान से मैंने उसके थ्योरम्स को देखा तब मुझे समझ में आया कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है।
इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम मिलकर उसके थियरम्स को पढ़कर उन्हें एग्जामिन करते हैं। लेडीज माफ करिएगा पर मेरी जरूरत यहाँ ज्यादा है, मैं आपसे कल मिलता हूँ। हाँ तो हाडी, मुझे वो थ्योरम्स दिखाओ जो उस इंडियन क्लर्क ने लिखी है। Here they are. शानदार, ये थ्योरम्स तो कमाल की हैं। ये पक्का किसी मैथमेटिशियन का काम है, वो भी हायर क्लास। इसके थ्योरम्स को देखकर तो ये लगता है कि हमें दूसरा आइज़ैक न्यूटन मिल गया है। Little Wood, Hari, ये है मिस बॉन। Little Wood, इंडिया से रामानुजन का जवाब आया है। इंडिया में एक मैथमेटिशियन के लिए दो वक्त की रोटी कमाना भी बहुत ही मुश्किल बात है, ऐसा वो कह रहा है। ये तो दुख की बात है, पेट खाली हो तो दिमाग काम नहीं करता। इंडिया में मैथमेटिशियन होना इतना बुरा है, लेकिन इंग्लैंड के मैथमेटिशियंस के लिए तो स्वर्ग सजा रखा है। हार्डी जैसे क्रॉनिक बैचलर जो बिना किसी जिम्मेदारी के मस्ती में क्रिकेट खेलते हैं, और लिटिल वुड जैसे हर शाम को अलग अलग गर्लफ्रेंड्स की कंपनी में जिंदगी मजे से जी रहे हैं। उस भारतीय को यहाँ बुला लो, वो भी खुशी का अनुभव कर सकता है। लिटिल वुड, रामानुजन को लंदन बुलाकर यही अपना रिसर्च करने को कहे तो? गुड आइडिया। अनबे तगड़िया आर्व में नहीं इन पुरु सिंदई इरुतिरिया नन्पुरुगी ज्ञान चुडर विलन केट्रिनेन நாரணர்க்கு ஞான தமிழ் புரிந்தனான் நாரணர்க்கு ஞான தமிழ் புரிந்தனான் क्या हुआ रामानुज? लंदन से मेरी चिट्ठी का जवाब आया है माँ। सोचा खोलने से पहले भगवान के चरणों में रख दूँ। ऐसा क्या लिखा है चिट्ठी में? मैंने मेरे सारे कष्टों के बारे में प्रोफेसर हार्डी को बताया था। मुझे लंदन बुला रहे हैं शोध करने के लिए। लंदन में रहने खाने की व्यवस्था सब कुछ वही करेंगे। माँ, 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 आप रो क्यों रहे हैं? रामानुज, तुम मेरे बड़े बेटे हो और बहुत कमजोर हो गए हो, पराए देश में तुम कैसे रह पाओगे? लेकिन जरूरी बात यह है कि हमारे शास्त्र में सात समंदर पार करना हमारे धर्म में नहीं है। हमारे शास्त्र में अगर तीन दिन का जाप नहीं किया तो तुम ब्राह्मण नहीं रह पाओगे बेटा, सारे रिश्तेदार हमें समाज से बाहर कर देंगे। देखिए माँ, अगर शास्त्र में लिखा है तो मैं लंदन कभी नहीं जाऊंगा, ठीक है? प्रोफेसर हार्डी ने मुझे बधाई देते हुए इंडियन गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी है, ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना? मैं इसी बात से खुश हूं। इंटरमीडिएट में तीन बार फेल होने वाले को रिसर्च स्टूडेंट बोल के लेंगे तो हमारी यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड पर सवाल उठ सकते हैं। थोड़ी शांति रखो, शांत हो जाओ। श्री रामानुज एक हाई क्लास मैथमेटिशियन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कैम्ब्रिज प्रोफेसर जीएच हार्डी, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑब्जर्वेटरीज सर गिलबर्ट बेकर एफआरएस, प्रोफेसर ग्रिफिथ, प्रोफेसर मिडिलमास, पोर्ट ट्रस्ट चेयरमैन सर फ्रांसिस स्प्रिंग,
इन दिग्गजों ने श्री रामानुज के गणित के प्रतिभा को देखकर ही ये प्रस्ताव रखा है। सरकार ने सिफारिश की है, अब आप लोग बताइए कि आप इसके हक में हैं या नहीं। अरे अब क्या बोला, क्या बात हुई? नहीं आ रहा है। अब कैम्ब्रिज के प्रोफेसर ने बोला है तो सही ही होगा। वाइस चांसलर जी, हमारी आपसे एक विनती है, रिकॉर्ड में ये मत लिखिएगा कि हम इसके खिलाफ थे, ऐसा लिखना कि हम हमेशा से सहमत थे, आपकी मेहरबानी होगी। रेजोल्यूशन पास। मिस्टर प्रशांत चंद्र महालनोपिस, यू आर अ स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया स्टडिंग एट किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। अब आप ही बताइए, क्या आपके शास्त्रों के हिसाब से लोगों को परदेश जाने की अनुमति नहीं मिलती है क्या? ये सच है प्रोफेसर, अगर हम परदेश गए तो हमारे बिरादरी वाले हमें बिरादरी से बाहर निकाल देते हैं। इंडिया में आप खाने के बगैर रह सकते हैं, लेकिन बिरादरी के बाहर नहीं रह सकते। Ridiculous. Religion and all sorts of daft things. हरी, इतने कठोर मत बनो। देखा जाए तो हम सभी लोग नास्तिक ही हैं। हमें हिंदू शास्त्र और इनके विश्वास के बारे में कहाँ कुछ पता है। वो लोग अपना विश्वास और अंधविश्वास अपने पास ही रखे। मिस्टर नोबिस, तो बताइए आप इन हालातों के बावजूद यहाँ पढ़ने कैसे आए? दरअसल सर, मैं कलकत्ता के रूढ़िवादी हिंदू परिवार से हूँ। हमारे शास्त्र भी बड़े मजेदार हैं। उसमें लिखा गया है कि कोई गलती ना करो, अगर गलती हो जाए तो उसका उपाय भी पहले से ही दिया हुआ है। हमें ईमानदारी से प्रोसीजर को फॉलो करना है, उसके बाद सब कुछ करो। इसका मतलब रामानुजन को हम कैम्ब्रिज में लेकर आ सकते हैं। जानकी, तुम्हारे लिए बुरा लगता है मुझे। मैं दूसरे पतियों की तरह मैं तुम्हें मद्रास घुमाने लेकर ही नहीं गया। मैं गणित के प्रश्नों की चर्चा भी तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। तुम इतनी छोटी लड़की हो कि मैं अपने जीवन की समस्याओं को भी तुम्हारे साथ नहीं बांट सकता। अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आपकी माँ बोलती है जैसे ही ये गले में पहनाया जाता है लड़की कितनी ही छोटी क्यों ना हो बड़ी हो जाती है। आपकी कोई भी समस्या हो मुझसे कहो, मैं हल कर दूंगी। ठीक है, चलो बताओ। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि सात समुंदर पार लंदन जाना गलत है, ऐसा माँ कह रही थी, और मुझे लगता है कि वो सही है। प्रोफेसर हार्डी कहते हैं कि लंदन में मुझे नाम और शोहरत दोनों मिलेगी, उनकी बात भी मुझे सही लगती है। और मुझे समझाने के लिए प्रोफेसर हार्डी लंदन में पढ़ने वाले किसी व्यक्ति को यहाँ भेज रहे हैं, वो कल तक यहाँ पहुंच भी जाएंगे। अब पता नहीं उनको मैं क्या जवाब दूंगा, यही बड़ा सवाल है। ये कैसा सवाल है? नामगिरी माता अब जब आपके सपने में दोबारा आएंगी तो आप उनसे ही पूछ लीजिए कि मैं लंदन जाऊं या ना जाऊं। उसके बाद तो आपकी माँ भी कुछ नहीं बोल पाएंगी। जब देवी माँ की ही इच्छा होगी तो उनके सामने साधारण ब्राह्मण माँ की इच्छा क्या करेगी। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। वेलकम सर। वेलकम मैडम। हेलो। इन्हें प्रोफेसर हार्डी ने भेजा है। यह है मिस्टर नेविल। हेलो, नाइस टू मीट यू। और यह है मिसेज नेविल। हेलो, नाइस टू मीट यू सर। प्लीज सिट डाउन। प्लीज देखा ही अंग्रेजों को इनकी हिम्मत कैसी होती है। ये लोग शादीशुदा आदमी से कैसे हंस हंस के इतनी देर तक हाथ मिला रही है। इनकी औरतें भारतीय औरतों के जैसे क्यों नहीं होती? उसके संस्कार थोड़े अलग है ना। हाँ, हाँ, पता है संस्कार ही नहीं है। तुम सुनो, वो लोग यहाँ से जैसे ही चले जाएंगे ना, तुम अपने रामानुज की अच्छे से नजर उतार देना। हाँ? मिस्टर रामानुज, आई ट्रूली बिलीव कैम्ब्रिज इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। प्रोफेसर हारी के निमंत्रण को स्वीकार करके आप लंदन चले जाएं, यही हम सबकी इच्छा है। अगर आप लंदन में आकर अपनी रिसर्च को पूरा करेंगे तो मैं जानता हूँ कि आपका इस दुनिया में बहुत बड़ा नाम होगा। आपकी जो भी कंडीशन है हमें मंजूर है। वहाँ जाने के लिए मुझे कोई परीक्षा देनी होगी क्या? आप पूछना क्या चाहते हैं? अगर परीक्षा होगी तो मैं उस परीक्षा में पक्का फेल हो जाऊंगा। माय डियर फेलो, नो यू वोंट। आपकी कोई कंडीशन है क्या?
मुझे लंदन जाने के लिए सिर्फ नामागिरी माँ की इजाजत चाहिए। बस इतनी सी बात, अभी हम दोनों जाकर उनसे बात कर लेंगे और आपको इजाजत दिला देंगे। बैठिए बैठिए बैठिए। ये नामगिरी माँ सिर्फ रामानुज की माँ ही नहीं है, बल्कि ये पूरे नामाकल गांव की कुल देवी है। इट्स अ डेटी। मिस्टर आय्यर, क्या ऐसा हो सकता है? सर, मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, आपके सवाल का जवाब मैं कैसे दूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। Go to Namakkal with Ramanuj and obtain clearance. This is an important official duty for you. हाँ हाँ ठीक है। मैं लंदन जाऊं या फिर नहीं जाऊं माँ, आप बताइए, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अच्छा सगुन है, देवी ने अपने फूल देके तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया है बेटा, तुम्हारा कार्य सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। ठीक है रामानुज, देवी माता ने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है, माँ की आज्ञा मिल गई, अब घर चलें। सिर्फ फूल काफी नहीं है सर, जब तक माँ खुद मुझे आके जाने के लिए नहीं कहती तब तक मैं लंदन नहीं जाऊंगा सर। ये बात है, ठीक है। रामानुज, रामानुज, वो मैं ये कह रहा था कि यहाँ आकर हमें 2 दिन हो गए हैं, पंडित जी बोल रहे थे कि आज तक कोई भी माँ के आशीर्वाद के लिए इतने दिनों तक यहाँ पर नहीं रुका है। वो एक बात और कह रहे थे, अगर तुम्हें जल्दी जवाब चाहिए तो वो जो औरत जिसके शरीर में माता आई हैं उससे भी चलकर हम पूछ सकते हैं, उसके जरिए माता हमें इजाज़त दे देंगी। जब तक माँ मेरे सामने खुदा के मुझे जाने की इजाज़त नहीं देंगी तब तक मेरा लंदन जाना सही नहीं है, मैं यही समझूंगा। तुम्हें यहाँ जितना रुकना है, जितने दिन तक यहाँ कैंप करना है, तुम्हारी माँ से जवाब मिलने के बाद ही खुशखबरी लेकर ही हम चेयरमैन के पास जाएंगे, यही जरूरी है। सुनिए जी, मैं हूँ, काफी समय से देख रहा हूँ, 3 रात से आप लोग बिना सोए यहाँ पर रुके हुए हैं, आप कौन हैं और किस काम से यहाँ रुके हैं? हमें ऑफिस के काम के लिए जवाब चाहिए इसीलिए रुके हैं। ऑफिस के काम के लिए जवाब चाहिए था? हाँ। जवाब दे दिया। हाँ, मैं तपस्या कर रहा था। हाँ? तभी मेरी आंखों के सामने रोशनी प्रकट हुई, मैं लंदन जा सकता हूँ, मुझे जवाब मिल गया। बहुत बढ़िया। नामगिरी देवी ने जिस रात जवाब दिया उसी रात को मैंने मेरे रामानुज को अंग्रेजों के साथ काम करते देखा, अब मैं उसे 7 समंदर पार भेज सकती हूँ। अगर मुझसे प्यार करते तो मुझे यहाँ अकेले छोड़ के खुद लंदन नहीं जाते। सुनो तो जानू, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं समझ नहीं आ रहा। माँ मुझे आपके साथ जाने नहीं देंगी ना। ऐसा नहीं है जानू, दूसरे देश में तुम्हें रहने में बहुत कष्ट होगा, जब मैं सुबह उठ के काम पर जाऊंगा तब तुम्हें घर में अकेले रहना पड़ेगा। तुम दिखने में साधारण होती तो चिंता नहीं थी, लेकिन तुम तो बहुत सुंदर हो, कोई अंग्रेज तुम्हें ले भागा तो मैं क्या करूँगा? मैं वहाँ काम करूँगा या हर समय तुम्हारा ध्यान रखूँगा, बताओ? जाओ, जाके मेरी सौत के साथ रहो। ऐसा मत बोलो, मेरे गणित से तुम्हें इस तरह चलने की जरूरत नहीं है। ठीक है आराम से जाओ। जैसे ही वहाँ बस जाऊंगा वहाँ से तुम्हें हर महीने 2 खत लिखा करूंगा, अब तो खुश हो ना? उनकी टिकट मेरे पास है बहन जी। समंदर कैसे पार करेगा? खुश रहो बेटा। रामानुज, ये क्या है, तुमने आगे के बाल बढ़ा दिए? लंदन जाने से पहले तुम आगे के बाल मुंडवा देना हा? पीछे के बालों में तेल लगा के अच्छे से चोटी बना लेना हा? वहाँ के लोगों का ध्यान सिर्फ तुम पे ही रहना चाहिए ना? अब मैं चलता हूँ माँ। संभल के जाओ बेटा। ये क्या, मेरी चोटी क्यों काट दी? मुझे रोना आ रहा है। रामानुज तुम रो मत,
तुम्हारे लिए कोट सूट बूट सब लाके रखा हुआ है। अच्छे से नहाने के बाद उसे पहन के एकदम अंग्रेज जैसे बन जाना। हाँ आइए। एक्सेलेंट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज मिस्टर श्रीनिवासन रामानुजन। ही हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ रिसर्च स्टूडेंट इन केम्ब्रिज। ही विल बी लिविंग फॉर लंडन वेरी शॉर्टली। नमस्ते सर, ये है रामा। वेलकम मिस्टर श्रीनिवासन रामानुजन। थैंक यू। पोर्ट ट्रस्ट चेयरमैन मिस्टर फ्रांसिस स्प्रिंग ने कहा है आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए। सिर्फ आपके खाने के लिए वेजिटेरियन फूड का इंतजाम कर दिया है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कम टू माय केबिन। लेकिन एक ही कंडीशन है, मैथमेटिक्स के एक भी सवाल नहीं पूछूंगे। वो क्या है ना कि मैं उस सब्जेक्ट में बहुत वीक हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यू कैन कम अलोंग। आइए रामानुज, संभाल कर जाना, ध्यान रखना अपना, चिंता मत करना, जल्दी मिलेंगे रामानुज। मैथमेटिक्स की दुनिया में मैंने आज तक कोई शोध नहीं किया है, लेकिन आज मैंने सबसे बड़ी खोज की है। वही खोज आज आप सबके सामने मैं रखना चाहूंगा। हमारे मेहमान श्रीनिवासन रामानुजन फ्रॉम इंडिया। गणित सीखते वक्त मिस्टर रामानुजन को सही मार्गदर्शन देने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन जो खोज उन्होंने की है, जो फॉर्मूलाज बनाए, वो इन्होंने खुद अपनी मेहनत से की है। इनके नोटबुक्स में इन्होंने जो भी लिखा है, इनका जो भी काम है, ये रामानुजन को गणित की दुनिया में इनका नाम अमर कर देगा। इनके इस शोध से दुनिया में लोग गणित को और अच्छे से समझ पाएंगे, ये मेरा मानना है। लर्न्ड प्रोफेसर्स, आई इनवाइट यू टू एग्जामिन देम। आज देखते क्या होगा। बिल्कुल, तुम्हारी लिस्ट तैयार है? बिल्कुल तैयार है। तुम देखना चाहोगे? हाँ, वाकई में मजा आ रहा है। बहुत अच्छा, दिल्ली खालों में जाना है। बहुत टेस्टी। पता नहीं हमारा ट्राई कर जाओ, इस हफ्ते कहीं जाते हैं सब लोग। क्यों? ठीक है, अगले हफ्ते जाना। अरे वाकई में क्या होता है, उसे बुला लो, साथ में बैठ के खाएंगे। ठीक, कल बुलाता हूँ। छोड़ यार, वाकई अच्छा, मजा नहीं है। मेरा पेट भर गया यार। एक मिनट रुको, और खाऊंगा मैं। तुम खाना खाने को छोड़ के ये सब क्या कर रहे हो तुम? मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। खाने में कहीं कोई नॉनवेज आइटम जरूर डला हुआ है, इस बात का मुझे संदेह है, इसलिए मैं ये किचन से खुद लेकर आया हूँ। इसे वेरीफाई करने के बाद ही मैं खाना खाऊंगा। ओके, ठीक है। क्या हुआ? ये महाशय हर चीज को इतनी बारीकी से पढ़ रहे हैं, कहीं इसमें मीट तो नहीं है? नो मीट, नो चिकन, ओनली वेजिटेबल्स। मिस्टर वेजिटेबल्स, आपने जो खाया है ये वही आइटम है, इसमें मीट है, ये आपको पता है कि नहीं? क्या कहा? हे भगवान! वो लोग तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, वैसे वो वेजिटेरियन आइटम ही था। बाय द वे, आई एम बीसी मैरानोविस, दिस इज चैटर्जी, वी आर फ्रॉम इंडिया। कैम्ब्रिज में रामानुज की नोटबुक्स को देखकर सब लोग शॉक्ड हो गए। मिस्टर पोलिया, आपने रामानुजन के नोटबुक में लिखे सारे थियरम्स अच्छे से देख लिए क्या? वो थियरम्स नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और मेरे लिए मिस्टिकल रहस्य है। मैं अगर अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दूं, तब भी एक भी थ्योरम को चाहकर भी साबित नहीं कर पाऊंगा। रामानुज, पोलिया जो कह रहे हैं वो सही है। तुम्हारे जो फॉर्मूला है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। टेल मी, आप थ्योरम्स के रिजल्ट्स क्यों नहीं लिखते? स्टेप बाय स्टेप लिखकर उन्हें प्रूफ क्यों नहीं करते? जैसे ही कोई सवाल देखता हूँ,
पता नहीं मुझे उसका जवाब तुरंत दिख जाता है और फिर मैं उसे लिख लेता हूँ। स्टेप्स लिखूंगा तो उसमें की रुचि खत्म हो जाएगी। एक जवाब लिखने जाता हूँ तो दिमाग में दूसरा जवाब तुरंत आ जाता है, उसके बाद मैं उस सवाल को सुलझाने में लग जाता हूँ। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हें तो 100 साल पहले जन्म लेना चाहिए था रामानुज। यूलर और जैकोबी जैसे मैथमेटिशियन आप जैसे ही थे, पर उस वक्त सिर्फ आपने फॉर्मूला लिख दिया और आप मैथमेटिशियन बन गए। लेकिन आज का वक्त अलग है। जब तक आप अपने जवाब के साथ उसका प्रूफ नहीं देते, आपको लोग एक टैलेंटेड मैथमेटिशियन कभी नहीं मानेंगे। मतलब आपको मेरे गणित पर कुछ संदेह है क्या? नो, बिल्कुल नॉट एट ऑल। तुम्हारे गणित की प्रतिभा महान है। तुम्हारे जो थियरम्स है और फॉर्मूलाज है, उन्हें तुम लिखते रहो अपने ही तरीके से। लिटिल वुड और मैं उन पर शोध करके उन्हें प्रूव करेंगे और गणित की दुनिया में तुम्हें पहचान और नाम दिलाएंगे। तुम क्या कर रहे हो? ओह, यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ पाई। मैं लंदन जा रहा हूं। हाँ, लेकिन तुम अपना रिसर्च जारी रखो। रामानुजन, फर्स्ट टाइम लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में आई एम गोइंग टू प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग्स। इवनिंग में अपनी सिस्टर के साथ बिताऊंगा, कल सुबह लौटूंगा। जब तुम जाओगे तो दरवाजा बंद कर देना, ताला अपने आप लग जाएगा। आप इतनी जल्दी वापस आ गए? जल्दी? जल्दी कहा? मुझे तो शायद 30 घंटे से ज्यादा हो गए। मेरे जाने के बाद तुम अपने हॉस्टल नहीं गए क्या? तुमने कुछ खाया या नहीं? पाई की दुनिया में ऐसा चला गया कि खाने पीने का ध्यान ही नहीं रहा, सब कुछ भूलकर यही था। ओह, फॉरगिव मी रामानुजन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय सिस्टर मिस गेट्रूड हार्डी। भैया ने जब मुझे आपके बारे में बताया तब मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मेरे भैया को क्रिकेट, पॉलिटिक्स ऐसे अदर इंटरेस्ट भी हैं। मैथमेटिक्स में ही दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति से आज मैं पहली बार ही मिल रही हूँ। गेट्रूड, प्लीज उसे डिस्टर्ब मत करो। छेड़ रही हूँ ना ना। रामानुजन, मैंने प्रेजेंट किए गणित के सभी खोज को लोगों ने बहुत पसंद किए, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। यूरोप में चल रही लड़ाई की वजह से बहुत से लोग वहां आ नहीं पाए। मैडम, आपसे एक सवाल पूछना था। हार्डी ने सभी शीशों को ढक रखा है। हमारे गांव कुंभकोणम में जब घर में कोई बुरा प्रसंग होता है तभी हम भगवान की तस्वीर को इस तरह ढकते हैं। यहां कोई भी बुरा प्रसंग नहीं हुआ है। मेरे भाई को खुद को शीशे में देखना पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि वो सबसे बदसूरत दिखने वाला इंसान है। हार्डी, मुझसे मिलने के बाद तुम्हारी ये सोच बदली नहीं? माय गॉडनेस, तुम भी ना। मिस्टर रामानुज, अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कीजिए। यहाँ का इंग्लिश वेदर बहुत ही खराब है। आप भले ही जीनियस हो पर ये दया नहीं दिखाएगा। ध्यान रखिएगा। जी। रघुपति राघव राजा राम,
पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सलामती ऐसा लग रहा है कोई गाना गा रहा है इतनी सुबह कौन गाना गाता है चलो जाके देखते हैं सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान माय गॉड मैन It's 5 in the morning. What are you doing? Puja. Puja? मैं अपने भगवान के लिए भजन गा रहा था. मुझे तो आज तक लगता था कि सारे मैथमेटिशियंस ऐसे होते हैं कि भगवान में विश्वास नहीं रखते. भगवान के बिना किया हुआ कोई भी इक्वेशन मेरी नजरों में किसी भी काम का नहीं है. It's totally useless. तुमसे दिल खोल के बात कर सकता हूँ यहाँ पर मेरा कोई नहीं है इसलिए मैं यहाँ बात करने के लिए आ गया जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे जानकी की याद आती है अब तक 4 चिट्ठी लिख चुका हूँ एक का भी जवाब नहीं आया क्या बात होगी कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं पता है माँ भी अपनी चिट्ठी में जानकी के बारे में कुछ भी नहीं लिखती है प्रोफेसर अपने डियर विद्यार्थी को देखा क्या वहां बैठ के फूलों से बात कर रहा है रामानुजन जैसे आदमी के लिए ऐसे मजाकिया आदत होना साधारण बात है प्रोफेसर क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ पूछो आप खुद एक नास्तिक हैं और यह रामानुज अपने धर्म का प्रचार करता रहता है और वो सिर्फ आस्तिक ही नहीं है बल्कि वो कहता है कि कोई देवी उसके सपने में आकर मैथ के फॉर्मूला लिख के जाती है आप इसके पागलपन को कैसे झेल सकते हैं रामानुजन एक जीनियस है और जीनियस उसे किसने बनाया है रामानुजन की पर्सनालिटी ने मुझे लगता है उसकी सोच वही से आती है लेकिन रामानुजन को लगता है कि नामगिरी नाम की देवी से उसे ये सोच मिलती है और अगर मैं चाहूँ तो उसके इस विश्वास को चकनाचूर कर सकता हूँ और अगर मैं ऐसा करूँ तो उसका ये मैथमेटिकल आउटपुट बिल्कुल रुक जाएगा इसीलिए मैं उसके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं मैथमेटिकल आउटपुट ही मेरी प्रायोरिटी है रामानुजन तुम्हारे हाईली कॉम्पोजिट नंबर्स की जो रिसर्च है उसी ने तुम्हें बीए की डिग्री दिलवाई है आज तक मैंने इसे ऐसे किसी को मिलते हुए नहीं देखा है श्रीमती रामानुजाया को प्रणाम माताजी और पिताजी को रामानुज का चरण स्पर्श और ढेर सारा प्यार ये पापड़ को अलग से सुखाना और उसको भी ये लो पकड़ो अरे उल्टे हाथ से क्यों ले रही हो कितनी बार कहा है उल्टा हाथ मत लगाया करो क्या हो रहा है रामानुज की लंदन से चिट्ठी आई है वाह दिखाओ तो ये लो बेटा पढ़ो जरा जोर से पढ़ो श्रीमती रामानुजया प्रणाम माताजी और पिताजी को रामा अरे रुक क्यों गई उन्होंने माता और पिताजी के बाद उनका नाम लिखा है मैं उनका नाम कैसे ले सकती हूँ उनका नाम नहीं ले सकती ना तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या चिट्ठी के शुरुआत में श्रीमती रामानुज पढ़ाना तब मेरी बेटी का नाम लेते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें चुपचाप आगे पढ़ो छोड़ो भी माताजी और पिताजी को मेरी तरफ से चरण स्पर्श मैं ठीक हूँ और सब कुशल मंगल है इंडिया में मुझे जितने भी कष्ट झेलने पड़े थे यहाँ पर हार्डी ने उन सभी कष्टों का निवारण कर दिया मुझे बीए की डिग्री भी प्रदान की गई है फोटो भी चिट्ठी के साथ ही भेज रहा हूँ उसको डिग्री मिल गई दिखाओ मुझे जरा बेटी दिखाओ दिखाओ
मुझे डिग्री नहीं मिल रही थी इसलिए पिताजी बहुत परेशान थे ना। मुझे उम्मीद है कि मैंने उनका सपना पूरा कर दिया। यूरोप में चल रही लड़ाई की वजह से यहाँ पर भारतीय खाना मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। जानकी, तुम्हारे लिए अलग से चिट्ठी लिखी है। सुनिए, देखा आपने, कल की आई हुई लड़की के लिए ये लड़का अपने माँ बाप को ही भूल गया। इसे देखो जरा, कितना प्यारा लग रहा है ना। रहने दीजिए। आपके बिना हर एक दिन मुझे एक युग की तरह लगता है। आपने कहा था जानकी, हर महीने तुम्हारे लिए अलग से दो चिट्ठी लिखा करूंगा, लेकिन आपने तो मुझे एक भी चिट्ठी नहीं लिखी। परदेश जाते ही आप मुझे तो बिल्कुल भूल ही गए। वहां पर आपने कोई कोरी मेम ढूंढ ली है क्या जी? बाबूजी, मैंने उनके लिए चिट्ठी लिखी है, आप इसे पोस्ट ऑफिस में डाल देंगे क्या? रामानुज के लिए ना, जरूर डाल दूंगा बेटा। आ गई तुम? अरे रामानुज के लिए खाने की चीजें भेजनी है ना, सब काम मैं अकेली ही करूँ, कहाँ रह गई थी तुम? मैं उनके लिए चिट्ठी लिख रही थी, उसमें वक्त लग गया। चिट्ठी पोस्ट करने के लिए बाबूजी से कहा है। ठीक है ठीक है, ये लो इसे पकड़ो। हाँ, और ये मुझे तल के दिखाओ। दिखाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुनिए जी, लंदन भेजने के लिए जानकी ने कोई चिट्ठी दी है। लाइए मुझे दिखाइए। कोमल, क्या कर रही हो? ये मियाँ बीवी के बीच की बात है, तुम्हें इसे क्या लेना देना? हाँ हाँ, मामूली सी चिट्ठी के चक्कर में मेरे बेटे की रातों की नींद हराम हो जाएगी। ये चिट्ठी भेजने की कोई जरूरत नहीं है, रहने दीजिए जी। कोमल, तुमने ही जबरदस्ती जानकी और उसकी शादी करवाई थी ना? वो बात और ये बात और है, तुम नहीं समझोगे, चुप बैठो तुम। और अगर वो चिट्ठी के लिए पूछेगी ना तो बोल दीजिएगा लंदन भेज दिया आपने। नारायण। गुजिया, मठरी, चकली, शक्कर पारे और लड्डू, हींग का चूरमा, इन सारी चीजों को अच्छे से कपड़े में बांध के रख दो। कपड़ा मैंने कहाँ रख दिया, अलमारी में रखा होगा। एक काम करो, जरा जाके देखो अलमारी में है क्या। जाओ। जानकी के लिए ये तो इनकी चिट्ठी लगती है। कितने दिन हो गए तुम्हारी चिट्ठी का कोई जवाब ही नहीं आया। तुम्हें कुछ हो गया है क्या? मुझे चिट्ठी क्यों नहीं लिखती? मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। ये हर महीने मुझे दो चिट्ठी लिखते रहे, लेकिन माँ ने ही मुझसे छुपा कर रखा। हे भगवान, ये बात जाने बिना ही मैंने गुस्से में उन्हें पता नहीं क्या कुछ लिख दिया। मेरे पति मुझसे प्यार करते हैं तो इस बात से माँ को क्या परेशानी है? रामानुजन। हाड़ी, चटर्जी ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम ठीक तो हो ना? मुझे थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। अरे बाप, हे माँ। ओह, पेन सीम्स टू बी सीवियर। नो बिस, वी नीड टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। हाँ चलो। ये बहुत ही कमजोर है, लगता है ये ठीक से खाना नहीं खाते। यहाँ खाने को मिलता ही क्या है? अगर मुझे अच्छा पौष्टिक खाना खाना है तो मुझे मेरी बीवी को यहाँ बुलाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारी माँ को चिट्ठी लिखो कि वो तुम्हारी बीवी को यहाँ भेज दे। अगर मैंने चिट्ठी में लिखा कि मैं बीमार हूँ, जानकी को यहाँ भेजो, तो माँ उसे ज़रूर भेज देंगी। पता है मेरी माँ मेरी हर बात मानती है। सिस्टर, ये घाव जी, इसे साफ कीजिए अच्छे से।
और इस पे बैंडेज लगा दीजिए। ठीक। लिटिल वुड, जब से विश्व युद्ध शुरू हुआ है कैम्ब्रिज कैंपस आर्मी बेस बन गया है। हरी, तो तुमने भी सेना में जाने का फैसला कर लिया है? सिर्फ आप इस युद्ध के खिलाफ हैं। कैम्ब्रिज के ज्यादातर लोग इस युद्ध में भाग लेकर देश का साथ देना चाहते हैं। मुझे सिर्फ रामानुजन की तबीयत की चिंता है और कुछ नहीं। मुझे डर है कि उसे कोई सीरियस डिजीज तो नहीं हुई है, इसलिए मैं रामानुजन को जल्द से जल्द वर्ल्ड रिकॉग्निशन दिलाना चाहूंगा जो उसका हक है। इसलिए मैंने ट्रिनिटी फेलोशिप के लिए उसे रेकमेंड किया है। अगर ये मिल जाए तो एफआरएस भी मिल जाएगा। आप इस बारे में नहीं जानते क्या? ये ट्रिनिटी पॉलिटिक्स क्या है? जो लोग आपसे जलते हैं वो ये अफवाहें फैला रहे हैं कि रामानुज की मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो पूरी तरह पागल है, और जिस कैंडिडेट की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है उसे आप फेलोशिप नहीं दे सकते। यही तो ट्रिनिटी का रूल है। हमें इन अफवाहों से दूर रहना चाहिए। इंडिया में उसे वो सम्मान नहीं मिल पाया जिससे रामानुजन का खुद पर से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका था। अगर हमने उसकी थोड़ी भी मदद की तो तुम्हारी और मेरी जिंदगी इस नौजवान की वजह से बदल जाएगी। सर, हमारा बुलावा आ गया। गुड लक हारी। यू टू। डियर जैम को स्कॉलरशिप नहीं मिली क्या? वो नॉर्मल इंसान नहीं है, उसको स्कॉलरशिप मिलना मुश्किल है। रूल्स के हिसाब से उसके अगेंस्ट है ये। फेलोशिप तो मिलना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे कहने का मतलब है रामानुज जीनियस नहीं है? से बातें कर रहा था। जीनियस तो है वो, पर थोड़ा पागल भी है। तुमने देखा था ना, फूलों से बातें कर रहा था। ऐसा तो सिर्फ पागल लोग ही करते हैं, है ना? कमाल है। डॉक्टर, रामानुज के टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए क्या? नर्स, डॉक्टर, ब्रिंग मी द टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ मिस्टर रामानुजन। यस सर। टेस्ट वेस्ट छोड़िए, मुझे आपसे एक सवाल करना था। मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं है क्या? किसने कहा कि तुम्हारी मानसिक स्थिति सही नहीं है मिस्टर रामानुजन? मैं कहता हूँ तुम्हारी मानसिक स्थिति एकदम सही है। अगर ऐसी बात है तो आप मुझे अभी कभी एक सर्टिफिकेट दीजिए। अरे मैं ऐसे कैसे तुम्हें सर्टिफिकेट दे दूं? मेंटल कंडीशन देखने के लिए टेस्ट नहीं किया था। अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया ना तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। प्लीज मिस्टर नॉबिस, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर, सिर्फ एक सर्टिफिकेट ही तो है, इट विल मीन अ लॉट टू हिम, प्लीज। ठीक है, तुम्हें सिर्फ सर्टिफिकेट ही चाहिए ना, दे दूंगा। थैंक यू डॉक्टर। अब इस सर्टिफिकेट को पॉकेट में रख के कॉलेज में आराम से घुमा करूंगा। अगर किसी ने मुझे पागल कहने की हिम्मत की ना तो उसके मुंह पे ये सर्टिफिकेट मारूंगा। चैटर्जी, इसे बाहर लेकर जाओ। डॉक्टर, रामानुज गणित का बहुत बड़ा जीनियस है, लेकिन कभी कभी वो एबनॉर्मल बिहेव करता है। वैसे उसके टेस्ट रिजल्ट्स में क्या है डॉक्टर? रिजल्ट्स आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके दोस्त को टीबी है। देखो भाई, ऐसा मुझे संदेह है। सैनेटोरियम में उससे एडमिट करना होगा क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। There you are. Sit down. I am afraid I have some bad news. इस साल तुम्हें ट्रिनिटी फेलोशिप नहीं मिल पाएगी। डोंट वरी, ये मेरा काम है
कि वो तुम्हें किसी भी तरह दिलवाना। नो रामानुजन, ये पॉलिटिक्स है, ट्रिनिटी के थोड़े इंटरनल पॉलिटिक्स। जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, हमारे बहुत सारे लोग लड़ाई में शामिल होने के लिए चले गए, यहाँ तक लिटिल वुड भी चला गया। मैं इस लड़ाई के सख्त खिलाफ हूँ और इस बात से ज़्यादा लोग सहमत नहीं हैं, और बहुत से लोग जो मेरी बात से सहमत नहीं थे, उन्होंने इस सिफारिश को पूरी तरह से खारिज कर दिया। तुम चिंता बिल्कुल मत करो। तुम गणित में खोज कर रहे हो, लंदन में जानकी को भेजा तो तुम अपने काम से ज्यादा घर पर ध्यान दोगे। वैसे भी तुम इतने कमजोर नहीं हो, लेकिन जानकी के आ जाने से तुम पक्का कमजोर पड़ जाओगे। इसलिए मुझे जानकी को वहाँ भेजना सही नहीं लग रहा है। और माँ ने ये सब लिखा है, ऐसे पापा से मत कहना बेटा। अपना ध्यान रखना, संभल कर। ट्रेन क्यों रुकवाई? वहाँ पर कोई ब्लडी फूल पटरी पर लेटकर गाड़ी के नीचे आत्महत्या करना चाहता है, उसे पुलिस के हवाले करना चाहिए। ए सुनो, उठो, चलो। प्रोफेसर, रामराज को पुलिस ने अरेस्ट किया है। व्हाट? उसने रेल की पटरी पर लेटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। ऊपर वाले का शुक्र है कि बच गया, पर उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। डैम फूल! पुलिस केस होने से पहले हमें उसे निकालना होगा। आत्महत्या यहाँ एक कानूनन अपराध है। इट विल बी ब्लड इम्पॉसिबल टू गेट हिम दैट फेलोशिप और बिकम अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी इफ दे रजिस्टर द केस। तुम्हें पता है वो पुलिस स्टेशन कहाँ है? यस सर। चलो मेरे साथ। आई एम प्रोफेसर हार्डी फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। क्या आप बता सकते हैं आपने इसे गिरफ्तार क्यों किया है? आपको पता भी है ये कौन है? ये कौन है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ये रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। ब्रिटिश कानून के हिसाब से ये एक गुनाह है।
केस फाइल तो होके रहेगा। आप जानते नहीं ये कौन है? He is the world famous mathematician from India, Mr. Srinivasan Ramanujan, FRS. और जिसे ये टाइटल मिलता है उसे आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, ना केस फाइल कर सकते हैं, कार्रवाई भी नहीं कर सकते। ये आप नहीं जानते क्या? What sort of police officers are you? सुनो ऑफिसर, क्या ये सच है? मुझे इस बारे में खास जानकारी तो नहीं है, पर ये महाशय इतना यकीन के साथ कह रहे हैं तो शायद हो सकता है। ठीक है, मैं इसे चेक करता हूँ। We have Srinivasan Ramanujan brought in on charge of attempted suicide, claiming to be a fellow of Royal Society. ऐसा कोई लॉ है इस कंट्री में जिसकी वजह से हम उस पर चार्ज नहीं लगा सकते? प्रोफेसर, मुझे कुछ पूछना है। रामानुज एफआरएस बन गया है क्या? नहीं, मुझे सिर्फ इसको बचाना था और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। सर, उस प्रोफेसर ने हमें शब्दों के जाल में फांस के उस कैदी को यहाँ से ले गया। जाने दो उसे। एफआरएस के बारे में झूठ बोल के वो प्रोफेसर उसको यहाँ से ले गया, लेकिन कुछ कॉल्स करने के बाद पता चला कि वो इंडियन जीनियस आदमी है। हम बेवजह उसकी जिंदगी क्यों खराब करें? नर्स, नर्स। यस। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, काम में भी ध्यान नहीं लग रहा है। आप किसी फायरप्लेस के पास मुझे रख सकती हैं? आई एम सॉरी, आपके इलाज का ये तरीका है। आपको गर्म जगह नहीं रखना है। आपको इस समय काम करने को किसने कहा? चुपचाप लेट जाइए और सो जाइए। लाई डाउन। गुड नाइट मिस्टर रामानुज। तुम कहां से आ रहे हो? बाथरूम। वो साफ और गर्म है। सच में बाथरूम में ठंड नहीं लग रही है क्या? तो मैं वहां अपना काम कर सकता हूँ। Listen there, come out. वो अंदर है एक घंटे से। Come out. Open the door. Move. मैं डॉक्टर हूँ, अंदर कौन है? बाहर आओ। क्या कर रहे थे अंदर? दरअसल मैं एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। तुम पूरे पागल हो क्या? अरे तुम यहाँ रहने के बिल्कुल लायक नहीं हो। Enough is enough. Get out. आपके नाश्ते का वक्त हो गया है। कितनी बार कहूँ मैं आपसे, मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं ये नहीं पी सकता हूँ। आपको ये पीना पड़ेगा, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। आप समझते क्यों नहीं मिस्टर रामानुज? मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, समझिए आप। ओह माय गॉड, डॉक्टर, डॉक्टर! तुम पागल हो क्या? तुम यहाँ रहने के लायक बिल्कुल नहीं हो। ये छठा हॉस्पिटल है जहाँ तुम एडमिट हुए हो, और हम तुम्हें तुम्हारे घर का या गांव में बना हुआ खाना नहीं दे सकते हैं। अगर तुम्हें पसंद है तो यहाँ रहो, नहीं तो तुम खुशी से जा सकते हो। Go to some other hospital. डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। डॉक्टर प्लीज नाराज मत होइए, हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। हम उसे न्यूट्रिशियस फूड दे रहे हैं, उसे नहीं खाना तो क्या वो उसे फेंकेगा? रामानुज, तुम्हारी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तुम इस तरह जिद क्यों कर रहे हो? नोबिस, मैं उन्हें थोड़ी रसम बनाने बोल रहा हूँ, सादा चावल ही दे दे, पर वो लोग मेरी बात मानते ही नहीं है। एक तो ठीक से पकाते भी नहीं है, कच्चा चावल देते, एक सस्ता केला ही दे दे। मेरी कोई मांग पूरी नहीं होती, मुझे नहीं अच्छा लगता यहाँ का खाना। रामानुज, अगर घर का खाना तुम्हें नहीं मिलेगा तो तुम भूखे मर जाओगे क्या? ये लोग जो दे रहे हैं वो भी न्यूट्रिशियस खाना है, उसे खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। फैसला तुम्हारे हाथ में है। ए बेटा, जानकी, अपने घर में कुआं है ना बेटा, तो तुम बाहर जाके पानी क्यों लेके आती हो बेटा? माँ कहती है कि कावेरी नदी का पानी पीना बहुत अच्छा होता है, इसलिए वहाँ से लेकर आती हूँ। मैं उससे बात करूंगा।
देखो आज के बाद इतने दूर से पानी लाने की कोई जरूरत नहीं, समझी ना? हाँ। जाओ। कावेरी से पानी लाने की जरूरत नहीं है, ऐसा तुमने जानकी से कहा? कोमल, जानकी एक बड़े घर की लड़की है, काम करने की आदत नहीं है उसे, उससे इतना काम करवाना सही लगता है क्या? वो भी जब उसका पति किसी और देश में। बस बस, जब मैं भी इस घर में शादी करके आई थी तब मुझे भी नहीं थी, तुम्हारी माँ ने मुझसे दिन रात काम करवाया था, तब तुम्हारी ये जबान कहाँ गई थी? अब अपनी बहू की वकालत कर रहे हो, मुझे पता है बहू को किस तरह रखते हैं। मुझे जो कहना था कह दिया, अगर जानकी के पिता को इस बात की खबर पड़ी और वो जानकी को यहाँ से ले गए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ देखिए, मुझे ऐसी बातों से डर नहीं लगता। रामानुजन, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। हाड़ी, आइडेंटिटीज प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल था ना? हाँ, मुझे उसका सलूशन मिल गया है। रियली? मार्वेलस। सिर्फ तुम ही हो जो इस तरह की खोज कर सकता है। हाड़ी। हाँ, आप अभी कुछ कह रहे थे ना? हाँ, तुम्हारे रिसर्च को दुनिया ने आज मान्यता दी है। श्रीनिवासन रामानुजन आज से एक फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी FRS। विज्ञान की दुनिया में आज तक जितने भी क्षेत्र हैं, उसमें से 464 प्रतिभाशाली विद्वानों में आज से तुम भी शामिल हो। ये विज्ञान में मिलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी पदवी है। सिर्फ FRS ही नहीं, तुम्हें ट्रिनिटी फेलोशिप भी मिल गई है। तुम्हारे अंदर के जीनियस को मिलने वाली ये एक रिकॉग्निशन है। कांग्रेचुलेशंस, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। Congrats. All the best. Congrats, man. Congratulations. Oh, no. No. आपको पता है अपने अंदर की प्रतिभा को बिना जाने इंडिया की सड़कों पर भटकता रहा। सिर्फ एक आप ही थे जिसने मेरे अंदर की इस प्रतिभा को दुनिया के सामने लाया। मैं आपका, लिटिल वुड का एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। प्रोफेसर हार्डी, ये मेरी इंडिया लौटने की टिकट है। तुम्हारा इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि तुम्हें घर जाकर आराम कर लेना चाहिए, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन युद्ध की वजह से तुम्हारा यहाँ वापस आना आसान नहीं होगा, और अभी युद्ध खत्म हो चुका है, इसलिए अब वक्त आ गया है तुम्हें अलविदा कहने का। आज का दिन बहुत ही खराब जा रहा है। आज मैं जिस टैक्सी में आया उसका नंबर भी डल था, 1729। नहीं हाड़ी, 1729 बहुत दिलचस्प नंबर है। इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर एक्सप्रेसिबल एज अ सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट फेज। वाओ, जिस परिस्थिति में तुम घर जा रहे हो
तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। तुम्हें एफआरएस मिल गया है, मद्रास यूनिवर्सिटी में तुम्हें प्रोफेसर की नौकरी मिल गई है, महीने के 400 रुपए तुम्हारी तनख्वाह होगी, ये तय हो चुका है। तुम ट्रिनिटी फेलो भी हो, इसलिए साल में तुम्हें 3,750 रुपए सम्मान में मिलेंगे। दो वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था इंडिया में तुम्हें। 6 साल पहले जो चिट्ठी भेजी थी उसमें तुमने यही लिखा था, आज मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें अपने देश इंडिया में उस हाल में नहीं भेज रहा हूं। इस बात के लिए तुम्हें खुश होना चाहिए। रामानुज, तुमने समंदर पार किया उसका प्रायश्चित करवाने के लिए मैं रामेश्वर शांति करवाने के लिए लेके जा रही हूँ, इसलिए बम्बई आए हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए हम मद्रास में ही करवाएंगे। किसे ढूंढ रहे हो बेटा? और किसे, मेरी जानकी को। वो क्यों नहीं आए माँ? तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसके लिए वो मायके चली गई है। रामानुज, देखो शहर के नामी लोग बाहर खड़े हैं, स्वागत के लिए स्टेशन पर आए हैं। देखो, हिंदू पेपर के कस्तूरी अयंगर, रामचंद्र राव, आदि नारायण गुरु जी। बेटा, उनसे उतर के मिलो ना। तुम्हारे भाई को देखा? अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा है, 800 किलोमीटर आई माँ की तरफ देखा भी नहीं। तुम बाद में जानकी को आने के लिए चिट्ठी लिख देना है। ठीक है। और उसे बताना मत कि वो गुस्सा होके गई। ठीक है। गणित के महारथी की जय हो, श्रीनिवासन रामानुजन की जय हो। वेलकम श्रीनिवासन रामानुजन, तुमने अपने देश का नाम रोशन किया है। तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे खुशी हुई। आई एम ओवरवेल्म्ड बाय योर अचीवमेंट्स मिस्टर रामानुजन। रामानुज, ये पहन लो। कैम्ब्रिज में तुम्हें सफलता मिली है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम सबको सफलता मिली है। हार पहनाइए। मिस्टर रामानुजन, आपके रहने के लिए हमने एक बंगले का इंतजाम किया है, वहाँ पर सभी तरह की आपको चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। चलिए। जानो, पता है मद्रास सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेन जैसे ही पहुंची, मेरी आंखें बस तुम्हें ही ढूंढ रही थी। जानकी, मैं अपनी माँ के घर थी, किसी ने मुझे आपके आने की खबर नहीं दी, और जैसे ही मुझे भैया की चिट्ठी मिली मैं आपके पास आ गई। माँ को अभी भी लगता है कि मैं एक बच्चा ही हूँ। जानो, फिक्र मत करो, मुझे सब पता है। मेरी लिखी चिट्ठी तुम्हें कभी दी नहीं गई, और तुम्हारी लिखी चिट्ठी मुझे भेजी नहीं गई। वो सब जाने दीजिए, मैं आ गई हूँ ना। जानकी, मेरी छाती में दर्द हो रहा है। वहां अपने सिर्फ काम करने के चक्कर में अपनी तबीयत का ध्यान ही नहीं रखा, अब मेरा क्या होगा? जानकी,
जानो, अगर तुम मेरे साथ लंदन में रहती ना, तो मैं इतना बीमार कभी नहीं होता। पता है, मैंने लंदन से माँ को तुम्हें वहां भेजने के लिए चिट्ठी लिखी थी। मुझे लगा माँ तुम्हें तुरंत मेरे पास भेज देगी। पागलों की तरह बस दिन गिनता रहा, पागल था मैं। हाँ, आपकी माँ एक दिन हमारे गांव आई थी और उसी दिन मैं गांव के बाहर गई थी। और पता है, उन्हें लगा कि मेरे पिताजी ने उन्हें बिना बताए ही मुझे आपके पास लंदन भेज दिया है, और इसलिए वो सबसे लड़ने लगी। और आपको क्या लगा कि आपकी माँ मुझे आपके कहने पर लंदन आने देगी? आप भी ना एकदम बुद्धू है। तुम भी बुद्धू हो। लंदन में पता है नई शादी हुए जोड़े खुले आम प्यार का इजहार करते हैं, गले लगते हैं, चुम्मा लेते हैं। लेकिन मेरी माँ ने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं। लेकिन तुम तो अपने प्यार का इजहार चिट्ठी में कर सकती थी ना। लेकिन मेरी लिखी चिट्ठियाँ माँ ने आपको कभी भेजी ही नहीं। ये भी सही है, लेकिन जो चिट्ठियाँ तुमने अपनी माँ के घर से भेजी थी उसमें तो तुम लिख सकती थी ना। लेकिन हमेशा भाई की शादी के लिए पैसे भेजो, साड़ी के लिए भेजो, उपहार के लिए भेजो, याद है ना? क्या तुम्हारा प्यार जताने का तरीका ऐसा है, पागल कहीं की? हम दोनों के ही किस्मत में पागल लिखा था, इसलिए तो हम दोनों की जोड़ी बनी। जानू, जब से आई हो खी 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 करके हंस रही हो। वो बीमार है, इस बात का तो ध्यान दो। जाओ तुम बाहर जाके सो जाओ। माँ, ये रात भर बहुत खांसते हैं, मैं इन्हें गर्म पानी देती रहूंगी। उसके लिए नर्स है, मैं हूँ, हम इसका ध्यान रख सकते हैं। देखो तुम बाहर जाके सो जाओ। बस माँ, देश में लोग अपने हक के लिए सत्याग्रह जैसी चीजों में हिस्सा ले रहे हैं। मुझे अपनी बीवी के साथ रहने के लिए सत्याग्रह करना पड़ेगा तो मैं सत्याग्रह करने के लिए तैयार हूँ। रामानुज, तुम अपनी माँ से ऐसे बात कर रहे हो? आप मेरे लिए उनसे झगड़ा मत कीजिए, मैं माँ की बात मानकर दूसरे कमरे में सो जाऊंगी। जानू, नीचे रखो उसे। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे किसी से भी भीख मांगने की जरूरत नहीं है। कोमल, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ तुम जो कर रही हो सही नहीं है। मैंने इसे क्या गुनाह किया है? जब रामानुज विदेश में था, जानकी को तुमने बहुत तकलीफ दी। अब इतने सालों बाद वो मिले हैं तो उन्हें अकेला छोड़ने के बजाय तुम उन दोनों को अलग करने में लगी हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ जी, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैंने रामानुज की कुंडली को एक ज्योतिषी को दिखाई थी, और उसको पढ़ने के बाद ज्योतिषी ने मुझसे कहा रामानुज बहुत नाम कमाएगा। लेकिन जब वो बहुत नाम कमाएगा वो तुरंत हमें छोड़कर चला जाएगा। फिर मैंने उसे जानकी की कुंडली दिखाई थी और पूछा उसका कोई उपाय है क्या। उसने कहा कोई उपाय नहीं है, लेकिन उसने कहा कि दोनों अलग रहे तो ही रामानुज के लिए सही है। मेरा बेटा थोड़े दिन और जिए इस आस के साथ मैं उन दोनों को अलग रख रही हूँ। इसमें क्या गलत है बताइए मुझे। कोमल, रो मत, तुम यहां रहकर उसका ध्यान रखो। मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ, चीजें समझ नहीं आती। मैं ये सब छोड़कर वापस गांव चला जाता हूँ, शहर में दम घुट रहा है मेरा। ये मद्रास यूनिवर्सिटी से आया है। इस साल का आपके लिए 3,750 रुपए का मनी ऑर्डर आया है, ये लीजिए। मेरे लिए आधी रकम ही बहुत है, बाकी की रकम मेरे जैसे गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए इस्तेमाल करोगे तो अच्छा रहेगा। ये रजिस्ट्रार को दे देना। ठीक है साहब। पता है, इस कॉलेज में कार की लिखी प्योर मैथमेटिक्स की किताब मिली थी,
उसके बाद गणित ही मेरी जिंदगी बन गई। कुछ लोग मुझे जीनियस कहते हैं जानकी, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा था इस कॉलेज को जीनियस की जरूरत नहीं है, उन्हें सभी सब्जेक्ट में पास होने वाला एक साधारण सा स्टूडेंट चाहिए था। सिर्फ कॉलेज में ही नहीं जानू, यहाँ पर हर किसी को साधारण लोग ही चाहिए थे। अगर कोई गलती से कभी जीनियस बन जाता है तो सबके सब मिलके उसे अपने जैसा ही एक बिल्कुल साधारण इंसान बना देते हैं, उसकी शादी करवा देते हैं, उस पर घर की जिम्मेदारियां डाल देते हैं। अगर फिर भी कोई साधारण जिंदगी जीने के लिए तैयार नहीं होता तो उसे पागल करार कर देते हैं। रामा, रामानुज, 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 जानती हो अगर मुझे प्रोफेसर हार्डी अपनी जिंदगी में नहीं मिले होते तो मैं भी पीटी मास्टर के जैसे इस कावेरी नदी के किनारे पागलों की तरह यहां वहां घूमता रहता। जानू, जानू, क्या हुआ जी, क्यों बुलाए? ये तुम ये देखो, मुझे एक नया फंक्शन मिला है, और तो और मैंने इसका नाम भी सोच लिया है, मॉक थीटा फंक्शन। अब मैं बीमार हो गया हूं तो पूरी दुनिया को लग रहा है कि मैं और कोई नई खोज नहीं कर सकता। ये शरीर बीमार हुआ है पर मेरा दिमाग नहीं। ये लो, ये मुझे प्रोफेसर हार्डी को भेजना है। हार्डी इसको देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। मेरे मैथमेटिकल आउटपुट अब भी बिल्कुल वैसे ही है। माँ, आप दुखी क्यों हो रही हो? आपको तो ज्योतिष विद्या पर विश्वास है ना? मेरी जिंदगी छोटी थी, मेरे हाथ की जीवन रेखा मैंने पढ़ी है। मैं सिर्फ और सिर्फ 32 साल और 5 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहने वाला हूँ। रामानुज, ऐसे नहीं बोलते बेटा, तुम जो बोलते हो वो सच होता है, फिर क्यों ऐसा बोल रहे हो? जानू, मैं तुम्हारे साथ कई साल जीना चाहता था, नहीं जी पाऊंगा। हमारी कोई औलाद भी नहीं है, ये किताबें हैं बस। इस नोटबुक में मैंने बहुत कुछ लिखा है, इसे संतान समझना। हार्डी कहते थे मेरे किए हुए गणित को साबित करने के लिए लोगों को बहुत साल लग जाएंगे, मेरे काम के साबित होने तक मेरे काम की सराहना देखने के लिए तुम्हें जीना होगा जानकी, यही मेरी इच्छा है। Ha ha ha!
क्या हाल है उसका? वो रात बिता पाएगा कि नहीं पता नहीं। रामानुज समंदर पार करके तो गया पर प्रायश्चित नहीं किया। उसके अंतिम संस्कार में अगर रहे तो उसका दोष हम पर भी भारी पड़ सकता है। तुम सही कह रहे हो। तो अब हम क्या करें? हम लोग एक काम करते हैं, उसकी जान निकलने से पहले हम यहाँ से निकल जाते हैं। अंतिम संस्कार के लिए इन्होंने मुझे बुलाया था। आप लोगों की बातें सुन के भला मैं क्यों अपना धर्म भ्रष्ट करूं? मैं भी आपके साथ चले चलता हूँ। रुकिए आप लोग रुकिए। लेकिन पंडित जी, अगर यहाँ रुके तो दोष चढ़ जाएगा। चलिए चलिए सब लोग चलिए। सब लोग कहाँ गए हैं? कार्य संपन्न हो गया है क्या? नहीं नहीं, रामानुज समंदर पार करके यहाँ पर आया और दोष निवारण के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए सारे रिश्तेदार भाग गए और साथ में सारे पंडित भी चले गए। अब यहाँ पर अंतिम संस्कार कौन करेगा समझ में नहीं आ रहा है। भाग गए हैं तो जाने दीजिए, अंधविश्वासियों की जरूरत नहीं है। मैं भी तो लंदन जाकर आया हूँ ना, मुझ पर क्या बिजली गिर गई? रामानुजन तो हमेशा जीनियस ही रहेगा, उसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करेंगे। आप क्या कहते हैं? मैंने सही कहा ना चित्तियार जी? सही कहा, हम ही करेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या पंडितों की कमी है? अंतिम संस्कार के लिए पंडित को लाना मेरी जिम्मेदारी है। एक मैथमेटिकल जीनियस था और हम कभी उसके गणित को समझ ही नहीं पाए, और ऐसे वक्त में भी हम उसका साथ नहीं दे पाए। मानता हूं हम नंबर में कम जरूर है, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे प्यार का नंबर ज्यादा है, लेकिन रामानुजन के लिए हर संख्या महत्वपूर्ण थी। रामू तुम सारी तैयारी करो। ठीक है अंकल।